नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा है। एक दिन में नहीं होगा, एफटीपी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए थोड़ा चाहिए। चलो ईसीबीज ओपन करूं। ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बोरोइंग। एक्सटर्नल यानी अब्रॉड, ठीक है, बाहर से हम पैसा ले रहे हैं। कमर्शियल यानी बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं। बोरोइंग्स यानी लोन ले। चैप्टर के नाम का मतलब यही है, अब्रॉड से जब आप बोरोइंग्स लेते हो अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, तो कितनी लिमिट के ले सकते हो, क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या इंटरेस्ट पे लोगे, कौन आपको लोन देगा, कौन ले सकता है, ठीक है। तो एलिजिबल बोरोवर्स, एलिजिबल लेंडर्स कौन कौन है, फिर मेच्योरिटी पीरियड क्या होना चाहिए, अगर आप लोन ले रहे हो तो किस पर्पस के लिए ले रहे हो, उसके बाद फिर उसका मेच्योरिटी पीरियड मतलब लोन कितने में पे ऑफ करोगे, इंटरेस्ट किस फॉर्म में दोगे, फॉरेन एक्सचेंज में दोगे कि इंडियन रुपीज में दोगे, फिर क्या आप इस ईसीबी को कन्वर्ट कर सकते हो क्या इक्विटी में, ये सारी चीजें हम देखेंगे ईसीबी के अंदर, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल बनाया था, जैसे रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है, वो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसके नीड्स क्या होते हैं, मनी फॉर बिजनेस, ठीक है। तो अब वो जो लेता है पैसा वो कहाँ यूटिलाइज करता है, पूरा डोमेस्टिक में, ठीक है, उसका एक डोमेस्टिक सोर्स होगा और एक फॉरेन सोर्स होगा जो उसका कैपिटल बनता है, ठीक है। उसमें आ जाते हैं इक्विटी और बोरोइंग्स, इसमें भी आ जाते हैं इक्विटी और बोरोइंग्स। अब अगर आपके इक्विटी, तो आपको पता है कि आपने शेयर्स इशू किए, उससे आपको पैसा आया, वो आपका कैपिटल है, आप उसको यूटिलाइज करो अपने बिजनेस के लिए। और बोरोइंग्स में आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, लोन्स, ठीक है, ये सब आ जाते हैं अगर आप डोमेस्टिक से ले रहे हो। अगर आप बाहर से लेते हो, तो अगर आप इक्विटी लेते हो तो आप एफडीआई लेते हो, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने ओवरसीज देखा था, आप क्या कर रहे थे, होली ओन्ड और ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके शेयर्स ले रहे थे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे थे। वैसे अगर बाहर की कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो अगर वो इक्विटी फॉर्म में ले रही है तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई, अगर वो आपको लोन फॉर्म में देती है तो उसको हम बोलते हैं ईसीबी, ठीक है, ये आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है। चलो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर कमर्शियल लोन्स रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज और रिकग्नाइज नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, सॉरी फ्रॉम, ठीक है, तो रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज लेती हैं किससे, नॉन रेसिडेंट एंटिटीज से, ठीक है। तो क्या लेती हैं वो, कमर्शियल लोन्स शुड कंफर्म टू पैरामीटर सच एज मिनिमम मेच्योरिटी, परमिटेड नॉन परमिटेड एंड यूजेस, या मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। बच्चे इसका मतलब है कि वो कंफर्म कर रहे हैं, जब आप किसी से ईसीबी लोगे तो आप कोई अग्रीमेंट में आओगे, आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो वो सैंक्शन लेटर देते हैं आपको, तो आप इसमें भी जब ईसीबी लोगे तो आप कुछ पैरामीटर्स कवर करोगे, तो जो ईसीबी देता है यानी रिकग्नाइज नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, वो आपसे कवर करता है कि यार मैं मिनिमम मेच्योरिटी को 3 साल, 5 साल, 1 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसे में मेच्योरिटी दे सकता हूं, इतने में तो मुझे रीपे कर दो। परमिटेड और नॉन परमिटेड एंड यूजेस यानी कि मैं जो तुमको दे रहा हूँ उसको तुम इसी पर्पस के लिए यूज करना और इस पर्पस के लिए यूज मत करना। जैसे रियल एस्टेट वगैरह हमने आरबीआई के उसमें भी एक्ट्स में देखा है, फेमा के एक्ट में, कि रियल एस्टेट को वो इतना ओपनली नहीं कवर कर पा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए, कि आप इस पर्पस के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज मत लो। तो ईसीबीज में भी कहीं कहीं ऐसे एक्टिविटीज के लिए वो चीज मना कर देते, तो वो परमिटेड नहीं होते हैं। उसके बाद लिखा है मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। जब आप किसी पर्सन से लोन लेते हो तो वो आपसे क्या लेगा इन रिटर्न, इंटरेस्ट लेगा, कुछ फीस लेगा। तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी सारी कॉस्ट ना इस ईसीबी जो मैं ले रहा हूं ना उसमें कवर करने की कोशिश करो। जैसे कि हम इंडियन बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, इंडियन बैंक से लोन लिया तो वो आपको बोलेगा कि 7% इंटरेस्ट पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमसे इतना इंटरेस्ट लो, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी इतना लोन, तभी तो हम बाहर से ले रहे हैं कि यार उसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज तो ज्यादा अमाउंट का मिलेगा कंपेरेटिवली इंडियन लोन से, मतलब इंडियन लोन आपको 7% में अगर 1 करोड़ देगा तो आप इसी का डॉलर देख लो, तो आपको 7% में ज्यादा डॉलर मिलेंगे, इसलिए आप ईसीबी उठा रहे हो,
ठीक है, तो अगर आप वो बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो कि 7% जो इंटरेस्ट ले रहे हो ना, इसमें सारी कॉस्ट कवर करने की कोशिश करो, मतलब कि हमसे इंटरेस्ट भी ले लो और भी कोई फीस है और भी कोई चार्जेस है तो वो ले लो, कुछ ऐसी फीस है जो हम बता देंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि वो एक्सक्लूडेड है। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि ये फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, इसने लोन दिया, लोन पे इसने बोला 7% इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप बाहर से लोन ले रहे हो तो वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेगा ना, कैसे चार्जेस, बाहर से आ रहा है तो कस टैक्स वैक्स सब इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। तो हम ये टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो अब हम देखेंगे कि इस परसेंट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो और क्या एक्सक्लूड करते हो। बस कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो बोल रहा है कि आप ना बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे, 450 बेसिक पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा इतने स्प्रेड कर सकते हो, इससे ज्यादा हमारे को कॉस्टिंग आप मत लगाओ। तो हमारे जब ईसीबी हम लॉ देखते हैं तो उसमें वो हमको अलाउ करता है कि 450 तक का बेसिक पॉइंट आप इंटरेस्ट में और ऐड कर लो, जिसमें आप बोलोगे कि आप हमसे कॉस्ट कवर करने की कोशिश करो जो आप हमें ईसीबी दे रहे हो। बैंक की भी कहीं ना कहीं आपको लोन देने में कॉस्ट लगती है, वो सैलरी देता है स्टाफ को, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उसकी कॉस्ट है, तो वो आपसे कॉस्ट भी रिकवर करता है। ऐसा नहीं कि 7% वो इंटरेस्ट कमाता है, उस 7% से वो अपनी कॉस्टिंग भी रिकवर करेगा और अपना प्रॉफिट भी करेगा। तो ईसीबीज भी जो प्रॉफिट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं आप इंटरेस्ट के साथ ही अपने कॉस्ट को कवर करो। तो मिनिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मतलब आप जितनी कॉस्ट डालना चाहो इस सीलिंग में डाल दो, ठीक है, हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए ट्राई मत करो। कुछ ऐसी फीस है जो आप अलग से हमसे चार्ज कर सकते हो, कमिटमेंट फी या हो गई या फिर कोई और ऐसे टैक्स हो गए जो आपको अलग से एक्सक्लूड करने, तो आप वो हमसे अलग से ले लो। लेकिन हम अगर आपसे लोन ले रहे हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सारी कॉस्ट इसमें कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद फिर ईसीबी का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर रेजिंग लोन थ्रू ईसीबी कंप्राइजेस टू ऑप्शंस। पहला है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एफसीबी और दूसरा है इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। अच्छा, ये आपको बोल रहा है कि या तो आप हमसे अपनी ही करेंसी में पैसे ले लो या आप हमसे हमारी करेंसी में पैसे ले लो, ठीक है। तो करेंसी ऑफ बोरिंग एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, मतलब कि हम इंडिया में अगर आपसे लोन लेके आए तो वो यहाँ पे हमारे लिए कन्वर्ट हो सके, तो आप हमें ऐसी फॉरेन करेंसी दो जैसे हम एडी के पास जाएं और वो हमें करेंसी तुरंत रिटर्न में दे दे। और इंडियन रुपी में, तो ऑफकोर्स इंडियन रुपी में दे रहा है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए उसमें। किस, जब आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेते हो तो किस फॉर्म ऑफ ईसीबी में ले सकते हो? आप ले सकते हो लोन के नाम पे, इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अदर देन फुली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मतलब आप कुछ टाइप के लोन ले सकते हो जिसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा या तो वो फ्लोटिंग हो या फिक्स्ड हो, हमें पता है कि उसके बिहाफ में हम चार्ज क्रिएट करते हैं, तो या तो वो फ्लोटिंग चार्ज हो या फिर फिक्स चार्ज हो, ठीक है। तो आपके रेट्स भी या तो फ्लोटिंग हो या फिक्स्ड हो। अच्छा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप फॉरेन करेंसी में लोगे तो यार करेंसी के रेट्स तो कब फ्लक्चुएट होते हैं, तो यहाँ तो आप फिक्स कर लो कि आप जभी भी इसको रिटर्न करोगे, आप रीपे तो करोगे ना लोन, तो आप जभी भी रीपे करोगे वो फिक्स्ड अमाउंट पे ही, फिक्स्ड रेट पे ही करो जो हम आज डिसाइड कर रहे हैं, या फिर वो फ्लोटिंग होता रहेगा कि आपकी जैसे करेंसी या आपके बैंक के जैसे रूल्स हैं कि वो चेंज होता रहे तो हम चेंज में भी हमें चलेगा, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स, बॉन्ड्स पता है सबको, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, तो या तो आप डिबेंचर ले लो उनका लोन फॉर्म में, ठीक है, या फिर बॉन्ड में कवर होता है एफ सी सी बी और एफ सी ई बी। ये पता है तुम लोगों को क्या होते हैं? सबको पता है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि एफ सी सी बी होते हैं कि जिनको आप, जैसे आपने इशू किया किसी को फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्या बोल रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जैसे आपने इशू किया उसके बाद जब रीपे करने की बात आई तो आपने उसको कन्वर्ट करा लिया अपनी कंपनी की इक्विटी में, ठीक है। एक है फॉरेन करेंसी एक्शनेबल बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने इश्यू किया जब रीपे करने की बात आई तो एक थर्ड पार्टी के आपने इक्विटी शेयर्स उसको दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर बोल रहा है कि ट्रेड क्रेडिट्स भी ले सकते हो बियॉन्ड 3 इयर्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्शनेबल बॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल लीज, ठीक है। ये सारे फॉर्म में आप कवर कर सकते हो अपना ईसीबी। तो कौन कौन से फॉर्म हो गए? लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन जिसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स चलेंगे, नोट्स चलेंगे। उसके बाद फिर बॉन्ड स्लैश डिबेंचर्स जो कि अदर देन फुली एंड कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे,
ठीक है, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी हमें ऐसे नहीं चाहिए जो इक्विटी में कन्वर्ट हो, ऐसे वाले डिबेंचर्स आप दे रहे हो, यानी कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नहीं दे रहे हो, एनसीडी दे रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप दे रहे हो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले लो, या फिर फॉरेन करेंसी एक्शनेबल बॉन्ड्स ले लो, या एक्शनेबल बॉन्ड्स ले लो, ये टाइप इन सब में से कोई भी एक फॉर्म आप ले सकते हो। मतलब आप लोन ले रहे हो सामने वाले से, या तो पूरा पैसा मंगा लो या उसका एक इंस्ट्रूमेंट मंगा लो, ठीक है। उसके बाद लोन इंक्लूडिंग, अगर इंडियन रुपी में ले रहे हो तो आप लोन ले सकते हो इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स अदर देन फुली और कंपलसरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐसा मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए। फिर ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट यानी बिजनेस के लिए जो आपने ट्रेड क्रेडिट लिया। उसके बाद फाइनेंशियल लीज। अब इसमें एक और कवर होता है, ऑल्सो प्लेन वैनिला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज विच कैन बी ईदर प्लेस प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन एक्सचेंज पर होस्ट कंट्री रेगुलेशन। जैसे हमारे बॉन्ड्स के नाम है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ CCP है, CCD, NCDs, ये सब हमारे इंडिया में चलता है, बाहर चलते हैं मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसा नाम अपने इंडिया में भी आ गया है अब, मसाला बॉन्ड्स। इन लोगों ने नाम ऐसे दिया है मसाला बॉन्ड्स, ऐसा नहीं उसमें मसाले मिले होते हैं, उसको नाम ऐसा दिया है कि उसमें आपको अलग लेवल का इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए ऐसा नाम। तो उन्होंने अपने एक बॉन्ड को नाम दिया है प्लेन वैनिला रुपी डिनोमिनेटेड, यानी जब वो लोग रुपी डिनोमिनेटेड आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो उसको नाम दिया उन्होंने वैनिला, ठीक है। ये एक टाइप है मसाला बॉन्ड का, और ठीक है। अब यहाँ पे ना उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है FCCB और FCEB क्या होता है, तो क्योंकि तुम्हें पता है तो तुम इसको यहां से रीड कर लेना। FC मसाला बॉन्ड, देखो कुछ नहीं है, इंडियन रुपी, जैसे आपने एक ये एक बॉन्ड लिया है, ये है बॉन्ड ही जैसे बाकी बॉन्ड्स है, पर इस बॉन्ड का नाम है वैनिला, ठीक है। क्यों वैनिला नाम है, क्योंकि ये एक इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। तो जब वहां के लोगों को भी अगर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड कोई बॉन्ड चाहिए और बाद में वो इंडिया जाने वाले तो उनको ऐसा बॉन्ड चाहिए, तो वो वैनिला बॉन्ड प्रेफर करें, ये एक नाम दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, लिखा है प्लेन वर्ड, प्लेन वैनिला, आगे और भी जैसे चॉकलेट्स के नाम होते हैं तो वैसे इन्होंने और बहुत सारे नाम नहीं दिए हैं कि मिक्स्ड वैनिला या फिर यू नो ड्राई फ्रूट वैनिला, ऐसे नाम नहीं दिए हैं, इन जनरल बता रही हूँ। प्लेन वैनिला में कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, एक मिनिमल अमाउंट का इंटरेस्ट दे रहे हैं इसमें, ठीक है। आप ये बॉन्ड ले लो, इसमें आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा जब आप रीपे करोगे, प्लस ये इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड है इसलिए हमने इसको नाम दिया वैनिला। चलो एलिजिबल बोरोवर्स, अभी हमने देखा कि पहले तो आप किस फॉर्म में ले सकते हो, तो आप फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो, इंडियन रुपए में। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ ECB किस फॉर्म में लोगे, लोन इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में, फाइनेंशियल लीज भी कवर हो जाता है। अब यहाँ पे ना FCCB और FCEB बस इंक्लूडेड नहीं था, और एक नया चीज था प्लेन वैनिला। अभी एलिजिबल बोरोवर्स, भाई कौन पैसे ले सकता है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी में कौन ले सकता है और इंडियन रुपए में कौन ले सकता है। All entities eligible to receive foreign direct investment, further the following entities are also eligible to raise ECBs. तो सब FDI मंगा सकते हैं और following के नाम दे दिए हैं कि ये तो ECB भी मंगा सकते हैं। Port Trust, Units of Special Economic Zone, SIDBI और Exim Bank of India, Small Investment Development Bank of इंडिया। अच्छा ये जो नाम दिए हैं ना, ये हम सब SEZs में देखेंगे, ऐसी जो जेड है ना, पर्टिकुलरली पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है, जो हम पोर्ट पे काम करते हैं ना उनका एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, उसको इन लोग बोल रहे हैं। फिर यूनिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक, गवर्नमेंट ने इन लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन लोगों को ये राइट्स हैं, इन लोगों को स्पेशल प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जोन्स है ना, इन लोग भी यूनिट्स बना के बाहर से पैसा ले सकते हो, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि बाहर से इन लोग डील करते हैं। उसके बाद फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को भी हमने अलाउ कर दिया। ये क्या करती है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स लेके छोटी छोटी कंपनीज को डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करती है, ताकि आपके पास पैसा नहीं ना, हम आपको दे रहे हैं। तो इन बैंक्स को बोलते हैं भैया आप फॉरेन से ECB ले सकते हो, ताकि आप स्मॉल कंपनीज का डेवलपमेंट कर सको। अब एक्सिम बैंक यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया तो डील ही इसमें कर रही है, तो वो ECB से के फॉर्म में लोन तो मंगा ही सकती है। इन सबको परमिशन है कि फॉरेन करेंसी में आप ले सकते हो। पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंफ्यूज मत, क्योंकि दोनों चीजें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं,
ठीक है, उसके बाद फिर कौन लोग हैं जो इंडियन रुपी में पैसा लेंगे? ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी ईसीबीज, जो फॉरेन करेंसी ईसीबीज रेज कर सकते हैं वो ईसीबीज ले भी सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड एंटिटी एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, मतलब कि छोटे छोटे फाइनेंशियल एक्टिविटीज सेक्टर्स में जो कवर होते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज यानी सेक्शन 8 कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको हम अलाउ कर रहे हैं कि आप ईसीबीज बाहर से मंगा सकते हो। तुम लोग ने अगर डायरेक्टली ना देखे, इनडायरेक्टली देखो, ईसीबीज के अंदर हम ऐसे लोगों को ईसीबी परमिट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एलिजिबल बोरोवर्स के अंदर कवर कर रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं कंट्री के, नॉन फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम इसमें देखें तो यूनिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप ईसीबी ले सकते हो जो कहीं ना कहीं इन कंट्री से प्रॉफिट मेकिंग ना करके कंट्री का डेवलपमेंट या इकोनॉमी में कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, सोसाइटीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स, इन लोगों को हम बोल रहे हैं। तो अगर आपने अपनी कंपनी बनाई, आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई, ठीक है, आप अगर सोचो आपने प्राइवेट लिमिटेड प्रॉफिट के लिए काम करो, आप बिजनेस करो, अगर आप सोचो आप सोसाइटीज क्रिएट करो या ट्रस्ट क्रिएट करो, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इंडियन रुपी में ईसीबीज ले सकते हो। ठीक है, तो क्या आप लगाओगे कहाँ? सोसाइटी में, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो वो बोल रहा है ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, कैसे लोगे, कितना लोगे, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो तुम्हारी बुक में बहुत ही मैस बोलो। हाँ तो ठीक है, इंडस्ट्रियल कर दो। मैंने इंडस्ट्रियल पढ़ा है, सॉरी इन्वेस्ट, ठीक है इंडस्ट्रियल कर लो सिट भी। बिजनेस ही करेगा, पर हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली सोचो, मैं ये नहीं बोल रही डायरेक्टली इंडिया के लिए ला रहे हैं पैसा, वो कोई इंडिया के लिए नहीं ला रहे, वो बिजनेस करने के लिए ही ला रहे हैं, पर हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हम एलिजिबल बोरोवर्स बोल रहे हैं जो इनडायरेक्टली कंट्री का वेलफेयर करने के लिए इन्वॉल्व है। ठीक है, अब रेकग्नाइज लैंडर्स, रेकग्नाइज लैंडर्स यानी लैंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ FATF। हमने ये पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में भी पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग में ही पढ़ा है, पैराग्राफ है वो, याद आ गया ना बुक का पेज। देखो मनी लॉन्ड्रिंग में हमने पढ़ा है ये लोग लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रोकते हैं, ऐसी वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैटिंग वाले सिक्योरिटी फीचर्स लाते हैं। लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सबसे पहले तो वो इसका रेसिडेंट है, मतलब मेंबर हो, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन कंप्लाइंट कंट्री। देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ISCO, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है इन्होंने, ठीक है, कि ये लोग भी आपको क्या प्रोवाइड कर सके, ईसीबीज। इसमें भी हमारी कंट्री मेंबर है, इसके लिए हमारी कंट्री को अलाउड है कि वो ईसीबीज एलिजिबल बोरोवर्स के थ्रू उठा सकती है, इंक्लूडिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ईसीबीज। तो ये लोग परमिट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, ईसीबी ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले आप FATF, तो तुम अपने इसमें बहुत मस्त है, तुम अपने साइड में लिखो तुम अपने स्टिकी नोट्स, ठीक है, पहले लिखो FATF मेंबर, दूसरा लिखो ISOSCO ना, हाँ जी, या मेरे पास AC नहीं है, रिमोट नहीं है मेरे पास, लिखा। अगर आप यहां पे ऊपर लिख सकते हो तुम कि लैंडर है ये, FATF का मेंबर होना चाहिए, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग क्या इशू कर सकते हैं आपको, ईसीबीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ISCO इंटरनेशनल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है,
ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आ गए? मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री विच आल्सो बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज लेंडर। क्या बोल रहा है? मल्टीलैटरल यानी जो बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, बायलैटरल में दो होते हैं, ठीक है, यूनिलैटरल में एक, मल्टीलैटरल में बहुत सारे। तो बहुत सारे जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में मिले हुए हैं, एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वहीं उसी रीजन का ही, इसमें कौन है? इंडिया एक मेंबर है। तो ये लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आपको? ईसीबी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने इंस्टीट्यूट, जो आपको इंस्टीट्यूट, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप बोल रहे थे ना ये इंडियन मेंबर है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब लोग कवर हो रहे हैं। जैसे कि मल्टीलैटरल रीजनल फाइनेंशियल वेयर इंडिया इज अ मेंबर विच ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिकग्नाइज लेंडर। अभी ये दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए हमारे फर्स्ट टू। अब थ्री में लिखो मल्टीलैटरल एंड आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब रीजनल। इसमें लिखो इंडिया इज अ मेंबर, तो ही आप इनसे ईसीबीज ले सकते हो। मल्टीलैटरल एंड आर लिखा है मैंने, आर रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन वेयर इंडिया इज अ मेंबर। तो अगर इंडिया ऐसे इंस्टीट्यूशन का मेंबर है जहां पे बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं और रीजनल वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज के बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। अभी अपन स्टार्ट किया है, थोड़ा सा आ जाए तो हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ईसीबीज, ठीक है। ईसीबीज किस फॉर्म में ले सकते हो, कौन बोरो कर सकता है? अभी हम पढ़ रहे हैं कौन दे सकता है। तो यार अगर आप बाहर से पैसा मंगा रहे हो तो हम ये बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकते हो, तो उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं वो कुछ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने वो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पढ़ा हुआ है, इसमें वो चीज एक्सप्लेन नहीं की हुई है उन लोगों ने तुमको, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो IOSCO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनली एक फॉर्मड है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज है। तो जब आपको बॉन्ड्स चाहिए, FCCBs चाहिए, आपको ECBs में ना लिमिट प्रोवाइडेड है। आप करोड़ों का लोन बाहर से ले रहे हो, तो आपको बोल रहा है कि आपकी कंट्री से अगर कोई पैसा ले रहा है तो उस कंट्री का रिकॉग्निशन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ, जब हम देख रहे हैं कि ये FATF है, तब हमने इसके बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा हुआ है जिसमें हमने देखा था कि हमारी कंट्री उसमें मेंबर है, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको बचाते हैं। तो जब आप मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर यहाँ से लिंक करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि आप बाहर से आप क्या करते हो, इंडिया में पैसा ना कमा के बाहर से ड्रग डील करते हो, उसके बाद इधर उधर पैसा इन्वॉल्व करते हो, फिर इंडिया में लाते हो। तो भाई अगर आप बाहर की कंट्री में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, बाहर से बैंक लोन्स लोगे कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपको अलाउड है, तो हम आपको इस कंट्री, इस वाले टास्क फोर्स के अंडर आपको बोल रहे हैं कि पहले आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इसमें हम पकड़ सकते हैं कि आपकी कंट्री से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। अगर पकड़ सकते हैं ना अपन, हो रहा है तो, ठीक है। तो अगर आप ईसीबी जेन्युइनली ले रहे हो और तो आपकी कंट्री इसमें मेंबर है, तो हम बता सकते हैं कि ठीक है तब आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी कंट्री ना इसके अंदर कवर्ड है। तो आप जैसे कि क्या हुआ, एक पर्सन है, उसने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, ठीक है। अब बाहर रशिया में उसने, रशिया दुबई जो हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, पैसे की हेरा फेरी करना चालू कर दी। अगर हमारी कंट्री इसका मेंबर नहीं होती, ये आ जाता है इंडिया चुपचाप, ठीक है। तो हमारा कहना है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग जब पढ़ा था, जब हमने पकड़े मनी लॉन्ड्रिंग्स, तो हमने ये एक्शन टास्क फोर्स क्रिएट किया जिसमें हमने बहुत सारी कंट्रीज को बोला कि आप इन्वॉल्व हो। अगर कंट्रीज इन्वॉल्व होती है तो उनका डेटा इन्वॉल्व होता है। तो आपको अगर इंडिया से कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट यहां पे नहीं हो पाओगे, क्योंकि कंट्री तो मेंबर ही नहीं है। ये पैसा इंडिया लेके आएगा, इधर उधर कर देगा और पता ही नहीं चलेगा बेचारे अब्रॉड का, तो हेरा फेरी में ही पूरे पैसे का काम खत्म हो गया। अगर इंडिया इसका मेंबर है तो क्या वो इतनी एफिशिएंटली मनी लॉन्ड्रिंग कर पाएगा क्या? एक डर रहेगा कि वो पकड़ा जा सकता है। तो अगर इंडिया यहाँ पे मेंबर है तो अपन क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप इसके मेंबर हो, ठीक है, तो आप
लेंडर पढ़ रहे हैं ना, तो आप लेंड कर सकते हो लोन. तो अगर बहुत सारी कंट्रीज हो गई, जैसे कि FATF, इसमें ले लो चाइना, इसमें ले लो जापान, ठीक है, इसमें ले लो और रशिया, यूरोप, सब एरिया कवर कर लो, और हमारा इंडिया. तो अब इंडिया को ईसीबी चाहिए, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया का ईसीबी पढ़ेंगे. इंडिया को ईसीबी चाहिए तो वो इन सब से ले सकती है, ले सकती है. तो इसमें जो जो लोग हैं उन सब से इंडिया लोन ले सकती है. ठीक है, ये समझ आ गया. अब आ जाओ आईएस. अब आ जाओ IOSCO. इंटरनेशनल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि हाँ हमें पता है हम दूसरी कंट्री, उनको ऐसा लगता है हम दूसरी कंट्रियों से बहुत बेटर है. अगर हम कायदे से देखें तो उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी से बहुत आगे चल रही है. आज तुम अगर इंडिया में लोन लेने जाओगे, इंडिया में लोन लेने जाओगे, तुम बोलोगे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो बोलेगा तुमको 7% इंटरेस्ट तुम ले लोगे, तुम अपने बिजनेस में डालोगे. तुमको अगर यही 20 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, तुमको इंडिया में महंगा पड़ेगा. तुम अगर यही बाहर से लेते हो, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मंगाते हो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी कमीशन है, तो ये क्या कर रहा है, आपको सिक्योरिटी फॉर्म में लोन दे रहा है. सिक्योरिटी फॉर्म में कौन आ गया, FCCB, EB, ठीक है, लोन. इस फॉर्म में आपको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है. तो जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन से 20 करोड़ का लोन मांगोगे ना, तो पहली बात आपको 20 करोड़ से ज्यादा आपको 25 करोड़ भी मिल सकता है. क्यों? क्योंकि वहां का डॉलर हमारे रुपी से ज्यादा है. अब आपको रेट यहाँ क्या लग रहा था, 7%. मान लेते हैं अभी, क्योंकि हमने आगे का टॉपिक नहीं पढ़ा, मान लेते हैं यहाँ पे भी 7% या 7% से कम का इंटरेस्ट हो, तो आप लोगे इस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा, जरूर लोगे. जब आप पढ़ रहे हो कि आपको बिजनेस करना है, आपने ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जहाँ सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, आपने बनाए हैं, और पोर्ट ट्रस्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, ये सब किसने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं. गवर्नमेंट के अंदर ये लोग रजिस्टर्ड हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल हैं. तो हम बोल रहे हैं कि यार आपको ना 20 करोड़ की जगह अगर 25 करोड़ मिल रहे हैं, कम परसेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप क्यों ना इस ऑर्गेनाइजेशन से लोन लो. अब ये ऑर्गेनाइजेशन बना ही इसलिए कि वो सिक्योरिटीज सामने वाले को इशू कर सके. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत लोग मेंबर हैं, जैसे जापान, हमारा इंडिया, ठीक है, चाइना, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं. तो हमारी इंडिया जुड़ी हुई है, तभी हम आज ईसीबी पढ़ रहे हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन से भी हम ईसीबी उठा सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट पढ़ा मल्टीलैटरल. ठीक है, आप भाई FATF से जाके लिंक दो, पैसे ले लो, वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो ईसीबी ले लो. ये मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि ये लोग क्या है, बैंक्स हैं. जब आप फर्स्ट चीज पढ़ी फॉर्म ऑफ ईसीबीज में, आपने क्या पढ़ा, आप लोन ले सकते हो. किस फॉर्म में ले सकते हो भाई, बैंक लोन ले सकते हो, इंक्लूडिंग बैंक लोन, फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट्स. तो जब आप मल्टीलैटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे, मल्टीलैटरल से समझो, जैसे मल्टीनेशनल समझते हो ना, वैसे मल्टीलैटरल समझो कि इसमें एक बैंक नहीं, बहुत सारे कंट्रीज के बैंक इन्वॉल्व है. तो आपको जिस भी करेंसी में लोन चाहिए, आपको इस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिल जाएगा. आज तुमको इंडिया में कोई भी करेंसी चाहिए होती है, पता नहीं क्या है, आज तुमको इंडिया में कोई भी करेंसी चाहिए तो तुमको इजीली मिलती है, क्योंकि हमारे बैंक्स उतने एक्टिव हो गए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतने एक्टिव होगी कि उसने ऐसे छोटे छोटे ऑथराइज डीलर्स बनाए जो आपको मनी चेंज करके देंगे. तो बाहर की कंट्रीज ने क्या किया है, ऐसे मल्टीलैटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो आपको लोन दे सके. ठीक है, यहां तो आप एक्सचेंज कर रहे हो फॉरेन सिक्योरिटीज, यहाँ तो आप बस बोल रहे हो कि यार रुपी ले लो और फॉरेन दे दो, घूम के आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के आते हैं, यहाँ बाहर से पैसा लेते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे. यहाँ पे जब आपको लोन लेना है तो आपको फॉरेन सिक्योरिटीज में लोन नहीं मिलता, वो आपको बाहर से मिलेगा. तो आप ऐसे मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो. अभी समझ आया, ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट, मुझे लगा ये थोड़ा इजी है अभी, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा है अजीब सा. देखो, इंडिविजुअल लेंडर्स कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स. अच्छा, इसका मतलब है कि आपके कोई नॉन
बाहर रहते हैं, वो फॉरेन इक्विटी होल्ड करते हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं, और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब कि अभी आपने क्या पढ़ा कि आप मल्टीलैटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा सकते हो। सेकेंड पॉइंट में आप पढ़ रहे हो कि आप इंडिविजुअल से भी पैसा उठा सकते हो। कब उठा सकते हो? जब वो फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स हैं तब, मतलब वो भी वहां की सिक्योरिटीज होल्ड करके रख रहे हैं, और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। या तो उन्होंने वहां के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे होंगे या फिर उधर की सिक्योरिटीज खरीदी होगी, जैसे कि ये रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड क्या कर रहा है? एडीआर जीडीआर इशू कर रहा है, एफसीसीबीज एफसीईबीज इशू कर रहा है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। एडीआर जीडीआर तो इक्विटी हो गया, ठीक है, उसको अगर लोन चाहिए तो उसने लोन के लिए एफसीसीबीज या एफसीईबीज इशू किए। किसको किए? इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाए उसने, क्रिएट किए, कि बाद में तो ये बनेंगे ही ना, कन्वर्ट होंगे या एक्सचेंजेबल होंगे। तो हम बोल रहे हैं कि यार आप क्या करो ना, परचेस कर लो हमसे, और भाई आप अब्रॉड में ना और अपने अब्रॉड में परचेस कर लो और सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। अगर आपने हमसे इक्विटी लेनी है या आपने हमसे डिबेंचर्स बॉन्ड्स लेने हैं, तो अगर आप, ये इंडिया है, ठीक है, अगर आप इंडिया से डिबेंचर्स लेना चाहते हो, यानी कि आप हमको लोन दे रहे हो, अगर आप यहाँ से डिबेंचर्स खरीदोगे तो आप क्या ले रहे हो? हमको लोन दे रहे हो, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल लोन के नाम पे तो नहीं दे रहा है, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उसको फॉर्म पे देनी पड़ेगी, तो आपने उसको एनसीडीज इशू कर दिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि यार आप ना फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है, लिस्टेड अब्रॉड, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से समझो, रीड करो एक बार। इंडिविजुअल्स एज लेंडर्स कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। अब हम ये बोल रहे हैं कि यार तुम बाहर रहते हो, बाहर की तो सिक्योरिटीज तुम होल्ड कर ही रहे हो, एक काम करो तुम हमसे भी हमारे फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर बनो, हम इंडिया में लिस्टेड हैं, एक इंडियन कंपनी है जो यहां लिस्टेड है। अब इसने क्या किया? अपने आप को फॉरेन कंट्री में भी लिस्ट करा लिया, ठीक है। जब ये दोनों जगह लिस्टेड है, तो अगर इंडियन कंपनी, जैसे कि समझो रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड इक्विटी इशू करेगी इंडिया में, तो वो कौन हो गए? उसके इंडियन इक्विटी होल्डर्स। अगर वो यही चीज फॉरेन में इशू करेगी, फॉरेन कंट्री में, तो वो उसके क्या बन गए? फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि आप हमें लोन दे सकते हो, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो, आप हमें लोन दे सकते हो, हमने बाहर भी अपनी कंपनी लिस्ट करा ली, पहले आप हमारे ना इक्विटी होल्डर बन जाओ, ठीक है, आप हमसे थोड़ा शेयर ले लो, आप हमारे नोन बन जाओ, उसके बाद हम आपको, हमारे इंडियन लॉ आपको अलाउ करता है कि आप हमसे और लोन भी ले, मतलब लोन दे सकते हो और हमसे डिबेंचर बॉन्ड्स ले सकते हो। तभी मैंने ऐसे लिखा है कि इंडियन कंपनी अब इशू कर रही है एडीआर जीडीआर, ठीक है, यानी क्या इशू कर रही है? इक्विटीज, ठीक है, बाहर की कंपनी ने हमारे होल्ड कर लिए, ठीक है, एडीआर जीडीआर आईडीआर होता है ना इंडियन, नहीं, एडीआर जीडीआर, ठीक है। अब हमने, वो हमारे क्या बन गए? इक्विटी होल्डर्स। हम उनको बोल रहे हैं अब ना हमसे बॉन्ड और डिबेंचर्स भी ले लो, तो आप हमें क्या दोगे? लोन दोगे। ये बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड होता है, यही बॉन्ड का, तुम लोगों ने कभी डिबेंचर्स की डीप में पढ़ा है? डिबेंचर्स डीप में, डिबेंचर्स क्या होते हैं बच्चे, क्यों उसको लोन फॉर्म में बोलते हैं? जैसे मैं सपोज एक एनसीडी इशू करने की बात करती हूँ, पहले ये समझो कि डिबेंचर क्या है, एक एनसीडी इशू करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी एक कंपनी है, मैंने लोग, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, मैंने लोगों को बोला कि हमसे क्या खरीद लो? एनसीडी। कोई भी नॉर्मल पर्सन आपसे एनसीडी क्यों खरीदेगा? उसका क्या फायदा है उसमें, वो बता रही हूँ, ठीक है। वो बोलेगा कि यार आप एक काम करो, हमें अपनी इक्विटी आपको नहीं देनी, आप हमसे एनसीडी खरीद लो। वो जो इंडिविजुअल है उसको आप दोगे कि यार इसकी मैच्योरिटी मान लो मैं 2 साल में ना आपका पूरा पैसा रीपे कर दूंगा, 2 ईयर्स में। अब आप सोच रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग होता है एनसीडी, कभी अगर तुम लोगों को इन्वेस्ट भी करना हो तो एनसीडी बहुत मजेदार होता है। आप सोच रहे हो कि यार
आज की डेट में मैं इसको 25,000, एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, आज की डेट में मैं इसको 25,000 दे रही हूँ, 2 साल में मुझे 25,000 देगा। चलो मान लेते हैं बैंक से तो कम ही इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है, बैंक से भी लोन ले सकता है ना, क्योंकि वो तो अगर वो मुझसे ले रहा है तो बैंक के इंटरेस्ट से चलो 5% इंटरेस्ट देगा, ठीक है, 2.5 देगा। अब मैं इससे 2 साल में 2.5 क्यों कमाऊं, ठीक है। इसमें आपको एक फायदा होता है कि ये जो आपको 2 साल में पैसे मिलने वाले ना, इसका पीरियड होता है 2 साल यानी 24 मंथ्स। तो आप क्या कर रहे हो, 3 3 मंथ्स का क्वार्टर क्रिएट कर देते हो कि रीपे इन क्वार्टर्स या रीपे इन एवरी मंथ। तो जनरली कंपनी है तो हर महीने ये सब टंटे कोई नहीं उठाता, वो क्वार्टर की बात करते हैं। वो लोग बोलते हैं हम हर क्वार्टर में आपको रीपेमेंट देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट मैंने अभी फॉर एग्जांपल 5% इंटरेस्ट 12.5% भी हो जाता है, क्योंकि आप इस कंपनी के शेयर होल्ड करो, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी, ठीक है, और इसको पैसे की जरूरत है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, इसको इन्वेस्टर्स चाहिए, इसको अपनी अपना नाम चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करते कोई बड़ा आदमी, तो आपकी कंपनी का ऑटोमेटिकली नाम होता है। आप बात ही ऐसे करते हो, अरे दिस पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन माई कंपनी, तो मतलब आपकी कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए उस पर्सन ने आप में इन्वेस्ट किया। तो जैसे हम शार्क टैंक देखते हैं, तो वो जितने शार्क्स हैं जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट किया, आज हमें काफ़ी सारे वो कंपनीज के बारे में पता है, ओनली बिकॉज दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, जो टॉप लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। कई बार देखना वो लोग बोलते हैं कि हम ना आपको इतना परसेंट इक्विटी देंगे और इतना परसेंट डेट, वो बोलते हैं डेट, तो वो जो डेट देते हैं ना उसके बदले, ऐसा नहीं कि वो लोन दे दे रहे, उसके बदले उनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वो जो डेट देते हैं उसमें देखो कभी वो 12% भी इंटरेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 12%। कई बार वो कोई वो बोलता है तो 10, यार बैंक भी इतने परसेंट पे इंटरेस्ट देता, पर वो देते क्योंकि आपको इन्वेस्टर की नीड होती है। आपको एनसीडी के साथ कुछ गाइडेंस भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लोन दे के वो छोड़ देते हैं। और इसमें एक फायदा, इसमें जो शार्क्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या फायदा होता है, उनको हर कुछ मिनिमम क्वार्टर में पैसा मिलता है। जब आप लोन से लेते हो तो मेच्योरिटी पीरियड होता है, या तो आप इतने इतने टाइम में देते जाओ, या फिर आप इकट्ठा 5 साल बाद आके इतना हमको लोन दे देना इतने इंटरेस्ट, जनरली ईयरली होता है बैंक्स के केस में, या 6 मंथली। इसमें आप मंथली क्वार्टरली कैसे भी करके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हो, इसमें पूरा एक अग्रीमेंट होता है एनसीडी अग्रीमेंट। तो इसीलिए है ना डिबेंचर्स जो लोन फॉर्म में मिलते हैं, तो लोन फॉर्म में मिलते हैं, तो आप ये सोचो कि आप 25,000 का 12% इंटरेस्ट, आपको अगर हम क्वार्टरली डिवाइड कर लें तो आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा 2 2 साल के बाद। तो जो इन्वेस्टर है उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो हम जब बोल रहे हैं ना अब्रॉड वालों को कि आप हमें इक्विटी ले लो, ठीक है, हमारे फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स बन जाओ, पहले हमारे रिश्तेदार बन जाओ, अब हमारे रिश्तेदार बनने के बाद आप हमें क्या दे दो, लोन दे दो। तो लोन किस फॉर्म में दोगे, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में। तो पहला हो गया मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा हो गया इंडिविजुअल्स एज लेंडर्स, ओनली परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हम बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी बाहर लिस्ट हो रही है, ठीक है, उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले वो फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स बन रहे हैं, फिर हम उनको बोल रहे हैं आप क्या कर सकते हो, हमें बॉन्ड और इक्विटी भी इशू, बॉन्ड और डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो। अब सी पॉइंट देखो, फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स। थर्ड कौन है कि इंडियन बैंक की फॉरेन सब्सिडरीज वहां बैठी है या उसकी कोई ब्रांच बैठी है, जैसे कि हमें बैंक ले लें HDFC, यहां इंडिया में है HDFC, इसकी ही कोई ब्रांच अब्रॉड में है। तो ये भी एक टाइप का लेंडर है, ठीक है, मतलब वहां से बैठ के आप फॉरेन सिक्योरिटी मंगाओ, वहां से लोन मंगाओ। कब मंगा सकते हो, किस तरीके से मंगा सकते हो, देखो आगे लिखा है, फॉर आर परमिटेड एज रिकग्नाइज लेंडर्स ओनली फॉर फॉरेन करेंसी ECBs, मतलब वो आपको जो देंगे वो फॉरेन करेंसी में ही देंगे। हमने दो फॉर्म पढ़े हैं, इंडियन रुपये और तो अगर इंडियन बैंक से लेना है, इंडियन रुपये में लेना है, तो यहाँ से लो ना, वहां से क्यों ले रहे हो। तो अगर इसी की ब्रांच HDFC जो इंडिया में है, आपको इंडियन रुपये चाहिए तो इंडिया में ले लो, आपको अगर फॉरेन करेंसी में चाहिए तो बाहर वाले उसी की ब्रांच से मंगा सकते हो। और एक्सेप्ट FCCBs और FCEBs, मतलब फॉरेन कंट्री की बैंक है जो फॉरेन इंडियन बैंक है जो जिसकी सब्सिडरी या ब्रांच ऑफिस फॉरेन में, वो आपको ना FCCBs और FCEBs नहीं देगा, वो आपको लोन देगा जो कि फॉरेन करेंसी में
होता है. अब फॉरेन ब्रांच सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक्स कॉमा सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स कैन पार्टिसिपेट एज अरेंजर अंडरराइटर मार्केट मेकर ट्रेड फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज. अभी देखो क्या बोल रहा है, जो फॉरेन ब्रांच है, इतना हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, इसको इन्वॉल्व मत करना. वो आपको लोन दे सकते हैं एक्सेप्ट एफसीसीबीज और एफसीईबीज, ठीक है. अब हम बोल रहे हैं कि जो फॉरेन ब्रांच है सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स, हमारी इंडियन बैंक्स की बाहर जो भी फॉरेन बैंक है उसमें हम बोल रहे हैं कि आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करो जो हमारे आरबीआई ने दिए, प्लस आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एज अरेंजर. अरेंजर यानी जब भी आपको मनी की नीड होगी तो वो आपको अरेंज करा के देंगे, या कभी आप आपकी जैसे एनसीडीज इशू करो, कोई और नहीं खरीद रहा तो वो आपके क्या बनेंगे, अंडरराइटर, ठीक है. एक लिमिट होती है कि इतने लोगों को सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, तो अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहा है तो वहां क्या बैंक आपका अंडरराइटर बन सकता है. फिर मार्केट मेकर भी बन सकता है, यानी स्टॉक मार्केट में अगर आपको नीड हो तो वो आपके लिए, जैसे अपने आप म्यूचुअल फंड्स के लिए मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वहां मार्केट मेकर बोल रहे हैं, ठीक है. और ट्रेडर्स, ट्रेडर्स फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, मतलब आपने जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करने के बाद के ओवरसीज उसमें वो आपको ट्रेडिंग भी करवा के दे सकते हैं. मतलब आपकी ही बैंक है वो वहां पे, तो आपकी इन इन चीजों में वो हेल्प करेगी. क्या बन सकती है, अरेंजर अंडरराइटर मार्केट मेकर ट्रेडर. अब हाउएवर अंडरराइटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स फॉर इशुएंस ऑफ इंडियन बैंक विल नॉट बी अलाउड. अभी क्या बोला, अंडरराइटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स फॉर इशुएंस बाय इंडियन बैंक विल नॉट बी अलाउड. इसको समझो, एक इंडियन बैंक है पीएनबी, सबको पता है. ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, वाओ मस्कान, तो इधर बैठो, ये फैन ऑन करो. अच्छे मूड से बैठो, सब अच्छा लगेगा. उस मुस्कान की तरफ कर दो, नहीं है मजाक कर रहे हो, आएगा उसकी तरफ. आ रही है हवा, आ रही है, मैं बोल रही हूँ. तो इतना ऐसे ऐसे बैठ, थोड़ा फैल के बैठ जाओ, इतनी बड़ी क्लास है, यहाँ बैठ जाओ पर पीछे वालों को नहीं दिखेगा. ठीक है, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही होगी, सॉरी. हाँ चलेगा, पीछे वालों को दिखेगा ना ये आगे बैठेगी तो. यहाँ हवा आ रही है, थोड़ा खुला खुला लगेगा, ठीक है. स्क्रीन ऊपर ही है, चलो. फॉरेन इंडियन बैंक है, ठीक है, और ब्रांच है आपकी अब्रॉड में, उसने क्या किया है, इशू किया है, ठीक है. पीएनबी बैंक है, उसने क्या किया है, ईसीबीज, उसी की ब्रांच ने, ये पीएनबी की ब्रांच है, ईसीबीज इशू किए. हम बोल रहे हैं ले सकते हो आप अपनी अपनी बैंक से वहां पे ब्रांच ले सकते हो, ठीक है. अब अगर वो एफसीसीबीज इशू कर रही है, ठीक है, तो जो इंडियन की दूसरी बैंक को ईसीबी दे रही है ना, वो लोग अंडरराइटर नहीं बन सकते. देखो एसबीआई बैंक दिख रहा है, क्या हो रहा है, जो ब्रांच अब्रॉड है वो इंडियन बैंक को ईसीबीज दे रही है. हमने देखा था बैंक्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है. इंडियन बैंक ने क्या किया, उसी ब्रांच से ईसीबीज लिए हैं, ठीक है. अब अगर जब वो एफसीबीज इशू करने जाएगी, ऐसा नहीं है बैंक्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन जो इशू करती है उनसे आप लोन नहीं लोगे. अब अगर वो जाएगी ना, तब वो बोल रहे हैं कि वो अंडरराइटर नहीं बन सकते. इशुएंस ऑफ बैंक वर्ड दिख रहा है, इशुएंस बाय इंडियन बैंक्स, ठीक है. तो जब आपकी बैंक ही एफसीसीबीज इशू करने जाएगी तो वो अंडरराइटर नहीं बन सकते. अगर तुम्हें कोई और बैंक का नाम पता है तो मैं वो डाल देती हूँ. नहीं समझ आया, देखो. हाँ देखो, एक पीएनबी बैंक है, ठीक है, इसी की ब्रांच है बाहर, ये क्या करती है, ईसीबीज देती है लोगों को, ठीक है. जब ये ईसीबी देगी तब हमने पढ़ा है एफसीसीबीज इशू ना करे, ठीक है. अब मतलब वो इस फॉर्म में आपको लोन नहीं देगी. एक और इंडियन बैंक है, चिंदी बैंक, ठीक है. हम जब देख रहे हैं कि ये जो बाहर की बैंक है, ठीक है, बाहर की जो बैंक है वो क्या नहीं, वो बनती है अंडरराइटर
और क्या बनती है, मार्केट मेकर, ट्रेडर, अरेंज। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन, देखो कैसे लिखी है अब, कि कब वो ईसीबीज नहीं दे सकती, फिर इस पॉइंट में ऐड हो जाएगी वो लाइन। हाउएवर अंडर राइटिंग बाय फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज फॉर इंडियन बैंक्स, ठीक है, इंडियन बैंक्स के लिए वो अंडर राइटर कब नहीं बन सकती, फॉर इश्यूएंस बाय इंडियन बैंक्स विल नॉट बी अलाउड। कहां गया, ये रहा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इंडियन बैंक्स जब एफसीसीबीज इशू कर रही है ना, क्या कर रही है, बाहर में फॉरेन सिक्योरिटीज दे रही है। ठीक है, तो जो जो बैंक ईसीबी प्रोवाइड करती है, अब अगर वो इसको ईसीबी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और ये बाहर जाके क्या इशू कर रही है, एफसीसीबीज, तो ये इसके लिए अंडरराइटर नहीं बन सकती, इंडियन बैंक्स के लिए अंडरराइटर नहीं बन सकती अगर वो इश्यूएंस ऑफ बैंक यानी एफसीसीबीज इशू वो कर रहे हैं। अभी यहां पे एक और बैंक ले लो, एसबीआई बैंक, इसको चाहिए ईसीबीज या इसको कोई और बॉन्ड्स इशू करवाने हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसके लिए सॉरी, ये जो ब्रांच है ये इसके लिए क्या बन रही है, अंडरराइटर। अंडरराइटर कब बनते हैं, जब आप कोई सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, उसने बोला कि आपकी ट्रेडिंग भी करा के देगी बॉन्ड्स की, क्या ये बैंक ईसीबी ले रही है, क्या एसबीआई बैंक, चिंदी बैंक ईसीबी ले रही है ना, एसबीआई बैंक ईसीबी ले रही है क्या, नहीं ले रही है। एक इंडियन बैंक है जिसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है, अब्रॉड में, या उसकी सब्सिडरी कहाँ है, अब्रॉड में, इंडियन बैंक को चाहिए अपने सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करे, ठीक है। अब जो एसबीआई है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए कि मेरे जो सिक्योरिटीज है वो बाहर मार्केट में हो सके, ट्रेडिंग हो सके। तो यहाँ पे जो बैठी फॉरेन सब्सिडरी है बैंक की, वो बोल रही है मैं तुम्हारे लिए अंडरराइटर, अरेंजर और ये सब बनूंगी, ये खत्म। अब जो कंपनी ईसीबीज ले रही है, मतलब जो बैंक ईसीबी ले रही है, इंडियन की एक चिंदी बैंक है, वो बोल रही है पीएनबी मुझे ईसीबी दे दो, मुझे तुमसे लोन चाहिए, उसने उसको ईसीबी दे दिया। अब वो क्या कर रही है, मार्केट में जाके एफसीसीबीज और एफसीईबीज इशू कर रही है। तो हम बोल रहे हैं कि जब आपने हमसे ईसीबी लिया है ना, तब हम आपके लिए अंडरराइटर नहीं बनेंगे, आप मार्केट में इशू करना है, आप किसी और को इंडियन इंडियन अंडरराइटर बनाओ, हम वही बैंक जो आपको ईसीबी दे रहा है, अगर आप फर्दर इशू के लिए आ रहे हो तो हम आपको आपके लिए अंडरराइटर, अरेंजर, मार्केट मार्क कर कुछ नहीं बनेंगे। अगर आप सिर्फ हमसे बोल रहे हो कि हमको ईसीबी नहीं चाहिए, हमारे फॉरेन सिक्योरिटीज आप बाहर जाके सेल आउट करवा दो या हमें हेल्प कर दो, कोई नहीं खरीद रहा, तो वो बोल रहे ठीक है हम आपके अंडरराइटर बनेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि यार फॉरेन सिक्योरिटीज इशू करनी है, पहले आप ईसीबी दे दो और फिर हम फॉरेन सिक्योरिटीज इशू करेंगे, तब बैंक को अलाउड नहीं है कि वो अंडरराइटर बन सके। थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम वहां पे डायग्राम्स बनाओ। चलो एक लिखो बी पॉइंट, बी पॉइंट में बनाओ कि एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी क्या कर रही है, बाहर पहले इशू कर रही है एडीआर और जीडीआर, ठीक है, एडीआर जीडीआर इशू कर रही है। तो यहां पे जो लोग बैठे हैं, लोग बनाओ, ये इसके बनते हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, ठीक है। अब इन्हीं को ही आप बोल रहे हो कि हमसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ले लो, ब्रैकेट में लिखो ईसीबी बोलेंगे इसको हम। मैंने तुम लोग को फर्स्ट में बताया था, कैपिटल अगर फॉरेन सिक्योरिटीज फॉरेन से आती है, अगर बॉन्ड डिबेंचर्स के फॉर्म में आ रही है तो ईसीबीज है। अब इन्हीं को आप बोल रहे हो, तो ये लोग क्या हो गए, एलिजिबल लेंडर। डायग्राम बना लिया सबने, ये बी पॉइंट के लिए। फर्स्ट में तो ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है मल्टीलैटरल, बॉन्ड और डिबेंचर, ये लिखो फर्स्ट और ये लिखो सेकंड, ठीक है। पहले आपने क्या किया, एडीआर जीडीआर इशू किए और उनको क्या बनाया, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, फिर सेकंड आपने उनको बोला बॉन्ड डिबेंचर्स ले लो हमसे और हमको क्या दे दो, ईसीबी, मतलब हमारे लिए वो ईसीबी हो गए, आप हमको क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो, तब ये बनते हैं एलिजिबल लेंडर्स। क्या होगा, बॉन्ड और डिबेंचर एलिजिबल लेंडर, मैं इसकी वो कम,
डन। अभी तो चैप्टर बहुत कुछ है आगे। चलो जितना इजी बना सकते हैं अपन बना देंगे, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब सी का डायग्राम बनाओ। डायग्राम देख के तुमको समझ आ रहा है उस पॉइंट का मतलब क्या है ना? ठीक है, अब सी का डायग्राम बनाओ। हो गया सबका? हाँ ही नहीं बोल रहे हो। चलो सी, सी में होता है, एक है इंडियन बैंक, लिख लो PNB, इसकी है ये सब्सिडरी, तो ब्रांच ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, ये भी क्या है? PNB इन फॉरेन। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या हो रहा है, एक और बैंक है SBI, वो इससे बोल रही है सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटर और अरेंजर। बाकी सारे पॉइंट्स तो हमको याद है ना, मार्केट मेकर। बन जाओ तो यस बन सकते हैं। ठीक है, एक और बैंक है चिंदी बैंक, वो बोल रही है हमको क्या दे दो? ECBs, तो दे दिए। अब वो बोल रही है सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटर, मार्केट मेकर और अरेंजर और ट्रेडर, तो यहाँ पे नो, नॉट अलाउड। हाँ तभी तभी तो देगी ना, कैसे देगी? तो लिस्टेड जो बी पॉइंट है, ये इंडियन कंपनी की फॉरेन सिक्योरिटीज हैं, यहाँ पे लिख सकते हो लिस्टेड अब्रॉड। कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दो, लिस्टेड अब्रॉड। ठीक है, एक इंडियन बैंक है, उसकी ब्रांच है बाहर, उसके बाद अगर इंडियन बैंक उसको ECBs बोल सकती है तो वो यस दे देगी। इंडियन बैंक नॉर्मली उसको बोलती है फॉरेन सिक्योरिटीज के लिए हमारे लिए अंडरराइटर बन जाओ, बन जाए। लेकिन ECB वाली अगर बोलेगी हमारे लिए अंडरराइटर बन जाओ, तो हम नहीं बनेंगे, आपको लोन भी दिया फिर आपकी ट्रेडिंग भी करें, नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटर, MMA, ट्रेडर नॉट अलाउड। तो इश्यूएंस ऑफ बैंक वहां पे वर्ड लिखा है, हम देख रहे हैं लेंडर। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना कि रिकग्नाइज लेंडर्स पढ़ रहे हैं हम। तो ये कंपनी क्या है? लेंडर है। जब आपको ECB चाहिए तो अपने फॉरेन बैंक्स की सब्सिडरी से आप पैसे ले सकते हो। आगे एक लाइन लिखी है तो वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब पॉइंट समझो, पहले आपको FATF के मेंबर होना चाहिए, वो IOSCO ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकता है। अब उसमें और लोग इंक्लूड हो गए हैं कि मनी लैटरल, मल्टी लैटरल और रीजनल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा इंडिविजुअल्स जो आपके फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं, आप उनको बोल सकते हो हमें लोन दे दो, बहुत इजी है। फिर सी कि इंडियन बैंक्स की जो ब्रांच है उनको भी बोल सकते हो कि हमें लोन दे दो। हमें ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर एक और लाइन दी है, अंडरराइटर बना सकते हो, किसको बना सकते हो, किसको नहीं बना सकते। ठीक है, चलो
अब ये हो गया सी पॉइंट, उनको प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे ये वो। अब यहां पे दिया हुआ है कि ये जो तुम्हारे ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके बारे में देखो। इट मे बी नोटेड दैट एफ ए टी एफ कंप्लाइंट कंट्री मीन्स अ कंट्री दैट इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और अ मेंबर ऑफ स्टाइल रीजनल बॉडी एंड शुड नॉट बी अ कंट्री आइडेंटिफाइड इन पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ एफ ए टी एफ। मतलब कि उसके गलत लिस्ट में नाम में नहीं आना चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए। तो अ ज्यूरिसडिक्शन हैविंग स्ट्रेटेजिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंपैटिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म डेफिशिएंसी टू विच द कंट्री मेजर्स अप्लाई। हमने मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ा है ये चीज। एफएटीएफ क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को वही पॉइंट है कि वहां जहां जहां कवर, जहां जहां एफएटीएफ के आप मेंबर हो गए वहां वहां का ज्यूरिसडिक्शन आप कवर करोगे। अ ज्यूरिसडिक्शन दैट हैज नॉट मेड सफिशिएंट प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग द डेफिशिएंसीज एंड नॉट कमिटेड टू एन एक्शन प्लान डेवलप्ड विद द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टू एड्रेस डेफिशिएंसी। ऐसे लोगों को हम एफएटीएफ में कवर करना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ के मेंबर हो ठीक है, पर आप ना यहाँ के पब्लिक स्टेटमेंट में कवर मत हो कि आपकी आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब आपकी जो एरिया है वो इन इन चीजों में कवर्ड है। अभी तक आप लोग ने जो एफएटीएफ में रूल्स और गाइडलाइंस दिए उसमें आपकी अभी भी डेफिशिएंसी, आप वो चीज कवर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सिर्फ ये तुम्हें रीड करना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एफएटीएफ और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद फिर फर्दर आईओएससीओ कंप्लाइंट कंट्री मीन्स अ कंट्री हू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटीज कमीशन। मतलब कि ये जो कमीशन, मैंने बोला ना जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसके मेंबर है, मेंबर की जगह वर्ड दे दिया उन्होंने कि इसके अंदर आप क्या हो, सिग्नेटरी हो। तो आपकी कंट्री कहीं ना कहीं इस चीज के लिए ऑथराइज है कि यहाँ पे बैठती है, एमओयू करते हैं, फिर वो साइन करती है। तो उसमें वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री आपकी कंट्री से लोन ले ले। मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बोला ठीक है, एमओयू साइन करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज का एक एमओयू बनता है जिसमें सब साइन करते हैं। तो जिसने उसमें साइन किया मतलब कि जो उसका मेंबर है वो क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए। और सिग्नेटरी टू बायलैटरल मेमोरेंडम विद सेबी फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अरेंजमेंट। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज में आ गए उसमें आपका सेबी इन्वॉल्व है और आपने उसमें पैसे के अरेंजमेंट्स को लेकर पूरी डील कर रखी है। अब समझ आया? तो थोड़ा रुकना पड़ेगा यार, अभी तो चालू हुआ है। चलो हमने जब देखा एलिजिबल बोरोवर्स और एलिजिबल लेंडर्स, जल्दी बताओ एलिजिबल बोरोवर्स यानी अगर फॉरेन रुपी फॉरेन करेंसी में हम पैसे ले रहे हैं तो कौन हो गए, पोर्ट ट्रस्ट, एसईसीज, सिडबीज और एक्सिम्स ठीक है। अगर इंडियन रुपी में ले रहे हैं तो जो सारे हमने पढ़े जो फॉरेन करेंसी ईसीबीज लेते हैं, प्लस उसके अलावा रजिस्टर्ड सोसाइटीज, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग भी ले सकते हैं। अब हमने जब पढ़ा रिकग्नाइज लेंडर्स उसमें हम बोल रहे हैं कि यार जो लेंडर है वो रेसिडेंट होना चाहिए किसका, एफएटीएफ का और आईओएससीओ। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन कवर होते हैं, सबसे पहले मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बस। उसके बाद दूसरे इंडिविजुअल्स जो आपके फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं अगर आपकी कंपनी अब्रॉड में लिस्टेड है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इंडियन बैंक्स की जो ब्रांच ऑफिसेज हैं या उसकी सब्सिडरीज हैं अब्रॉड में उनसे आप लोन ले सकते हो ठीक है। ये हो गए आपके एलिजिबल लेंडर्स। अब कैटेगरी हाउएवर स्पेसिफिक अब आ गए मैच्योरिटी पीरियड पे, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड यानी कि आप जो लोन ले रहे हो वो कितने मैच्योरिटी पीरियड पे आप लोगे। तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड फॉर ईसीबी कितनी है, 3 साल मिनिमम। 3 साल के लिए तो आप लोन उठाओगे ही उठाओगे। कॉल एंड पुट ऑप्शन इफ एनी शैल नॉट बी एक्साइजेबल प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम एवरेज ऑफ मेच्योरिटी। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी कितनी है, 3 साल की। अब ईसीबी रेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू कितना, $50 मिलियन और इट्स इक्वलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 50 मिलियन तक का आप ले रहे हो ठीक है, या फिर अपनी जो इसी के इक्वल के लिए आप क्या ले रहे हो, 50 मिलियन है, 50 मिलियन के आसपास ले रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपकी मेच्योरिटी पीरियड कितनी है, 1 साल। तो कौन से ऑफ कंपनीज हैं ये, तो हमें याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मेच्योरिटी पीरियड कितना है, अगर वो $50 मिलियन लेते हैं पर फाइनेंशियल ईयर तो 1 साल। फिर ईसीबी रेज थ्रू फॉरेन इक्विटी होल्डर्स जो हमने इंडिविजुअल्स पढ़े, आपने किस किस के लिए, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन ठीक है। इन लोगों से आप ले रहे हो, किस किस के लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल,
जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, यानी जो इंडिया में लोन लिया है वो रीपे करने के लिए आप बाहर से लोन ले रहे हो, ठीक है। इसकी मेच्योरिटी पीरियड कितनी है? 5 साल। ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांच और सब्सिडीज ऑफ इंडियन कंपनीज। फिर द प्रिस्क्राइब्ड एमएएम मतलब मेच्योरिटी एवरेज मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड हैव टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब ईसीबी रेज्ड फॉर, अभी आपने इंडिविजुअल से लिया था कितने 5 साल के लिए, अब ईसीबी रेज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वापस चीज वही चीज, ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब आपने यहां पे लेंड करके रखा है पैसा और आपको अपने लिए और लोन चाहिए, तो आप ले सकते हो कितना, 10 साल के लिए। ईसीबी रेज्ड पर्पस बता रहा है, आपने क्या किया है वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यहाँ पे ये नहीं लिया है कौन से किससे ले रहे हो। आपको अगर वर्किंग कैपिटल, पहला वाला मैन्युफैक्चरिंग था, दूसरा वाला इक्विटी होल्डर से, अब आप जनरली अपने वर्किंग कैपिटल पर्पस से और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, तो आप मेच्योरिटी मिनिमम कितनी रख सकते हो, 10 साल। इसमें क्या है, ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर वर्किंग कैपिटल, अब एक और पॉइंट है, ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर वर्किंग कैपिटल और पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ऑन लेंडिंग यानी एनबीएफसीज जो है, एनबीएफसीज क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप ऐसी कंपनी से पैसा ले रहे हो तो इनको इनको भी आप मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना दोगे, 10 साल। अब इट मे बी नोटेड दैट ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडीज ऑफ बैंक इंडियन बैंक्स, द प्रिस्क्राइब वाले को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जब हम देख रहे हैं पहले मिनिमम 3 साल तो होना ही चाहिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $50 million ले रहे हो तो 1 साल, अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से लोन ले रहे हो किस किस के लिए, वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट और एक और चीज है और रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, तो कितने, 5 साल। अब आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और वर्किंग कैपिटल पर्पस ले रहे हो या फिर एनबीएफसी से फॉर जनरल कॉर्पोरेट या वर्किंग कैपिटल पर्पस ले रहे हो तो कितना, 10। अब ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट, अब एक और बार आ गया, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने इंडिया से लोन लिया था किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, आपको उसे रीपे करना है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, ईसीबी रेज कर रहे हो। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, अब अगर सेम पर्पस के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीपेमेंट करने के लिए एनबीएफसी से लोन ले रहे हो तो मिनिमम मेच्योरिटी कितना हो गया, 7 साल, ऊपर 10 साल था, यहाँ पे 7 साल। नॉन बैंक यार, जो बाहर के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख लिए ना, तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो बैंक नहीं है पर आपको लोन देते, तो आप उनसे ईसीबी रेज कर रहे हो सेम पर्पस के लिए, तो उनके लिए भी आपको यही फॉलो करना है। नॉर्मल बैंक से ले रहे हो तभी भी यही फॉलो करना, इसलिए वो अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन रुपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज बाय सेम पर्पस, तो वापस कितना हो गया, 10 साल। मतलब 3, 1, 5, 7, 10, 10 ऐसे अगर देखो तो, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए बीच में 10 10 आ रहा है ना, इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल, बच्चे इतना कंफ्यूज होना ही नहीं, सीधा 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 स्ट्रेट याद करो, मिनिमम कितना है, मिनिमम 3 साल सबके लिए। फिर हमने कुछ चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो $ पर फाइनेंशियल ईयर $50 million लेते हो तो सिर्फ एक ही का 1 साल है, ठीक है। अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो जो आपके रिश्तेदार हैं, बन गए हैं आपकी कंपनी के रिश्तेदार, उनसे आप 2 पर्पस के लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है, तो आप कितना इस पे मिनिमम। फिर इसमें जो आप ले रहे हो और 3 चीजें हैं, सॉरी, जनरल कॉर्पोरेट, वर्किंग कैपिटल और रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। अब अगर आप ईसीबी रेस करते हो नॉर्मल लोगों से, ठीक है, नॉर्मल बैंक से या एनबीएफसी से, क्या वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, सेम चीज एनबीएफसी, तो कितना, 10 साल। अगर आप ईसीबी रेज कर रहे हो रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन जो आपने लिया था फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर सेम चीज आपने एनबीएफसी से ली है, तो फिर कितने, 7 साल। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमको क्या याद रखना है, 7 साल, फॉरेन इक्विटी होल्डर में हमको क्या याद रखना है, 5 साल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 1 साल। अब ईसीबीज अगर हम रेस कर रहे हैं रुपी लोन रीपे करने के लिए जो कि अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो फिर वापस कितना हो जाएगा, 10 साल।
ठीक है, तो जनरल कॉर्पोरेट और जनरल वर्किंग कैपिटल का आप ले रहे हो तो 10 साल, और अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर को पैसे को रीपे करना है तो 10 साल। पागलों को यहीं पे लिख देना था रीपेमेंट ऑफ लोन के अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अलग से एक बॉक्स बना के दिया है तुम्हें कि रीपेमेंट लोन के लिए, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिख दिया फॉरेन इक्विटी होल्डर्स के साथ, तीनों पर्पस बेसिकली तीन पर्पस बता रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट और रीपेमेंट ऑफ, तो बुक में उनको यहीं पे मेंशन करना चाहिए था, पर उन्होंने थोड़ा डिजाइन देने के लिए एक और बॉक्स बनाया है कि अलग से, तो 10 साल रीपेमेंट के लिए है। चलो हो गया। अब ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम, मैं अभी बोल रही हूँ इसमें कंफ्यूज मत होना, जब हमने शुरू में ही समझा कि एक आपका ऑल इन कॉस्ट है, ठीक है, इसमें कवर करता है, इधर जो लिखा है वो सब कुछ मत लिखना, इसमें कवर करता है कि आपका जो ईसीबी आप इशू कर रहे हो उसमें जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, हम आपसे अब्रॉड वालों आपसे चाहते हैं कि आप अपनी सारी कॉस्ट इसमें कवर करने की कोशिश करो, तो आप जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हो उसमें आप अपनी कॉस्ट भी कवर कर लो, हमको अलग से खर्चे नहीं चाहिए, हमको इंटरेस्ट का रेट अच्छा लगेगा तो हम ले लेंगे, इसमें आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है नहीं है हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल इन कॉस्ट पर एनम इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस स्प्रेड, ये एकदम बड़ों वाली लैंग्वेज लिख दी उन्होंने, ठीक है, जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसमें मैं ऐसे समझो, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम, साल भर की आपकी जो कॉस्ट है वो जो बेंचमार्क रेट होता है, बेंचमार्क रेट यानी जो आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट रेट होता है उसमें आप प्लस कर सकते हो 450 बेसिक पॉइंट्स बीपीएस यानी बेसिक पॉइंट स्प्रेड। अगर तुमसे ये बेसिक पॉइंट स्प्रेड नहीं समझ आता तो तुम लिख दो 0.45% इंटरेस्ट आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने जो बेंचमार्क रेट हमसे ले रहे हो उसमें आप कितना और ऐड कर सकते हो 0.45, इससे ज्यादा हमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखो, इट मे बी नोटेड दैट ऑल इन कॉस्ट इंक्लूड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फी, ईसीए चार्जेस, वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपी। अब समझ आया कि हमने इंटरेस्ट भी कवर किया, जितने भी फीस थे चार्जेस थे वो सब भी ऑल इन कॉस्ट में हम चाहते हैं आप कवर कर लो। अब विल नॉट बी इंक्लूडेड कमिटमेंट फी एंड विथ होल्डिंग टैक्स पेबल इन INR स्प्रेड, यानी कि लोन जो आप देते हो, ठीक है, लेते हो, उसके अलावा जो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व मत करो। तो विथ होल्डिंग टैक्स अगर समझाऊंगी तो सब लोग थोड़े हो जाए, समझो कमिटमेंट फी कि हम आपको पे करेंगे, ठीक है, विथ होल्ड टैक्स को समझो कि जब आपने ईसीबी लिया है मेच्योरिटी पीरियड 5 साल 10 साल तक है तो भाई टैक्स तो हम इकट्ठा तो देंगे नहीं आपको, होल्ड होता जाएगा, तो ये जो टैक्स है वो इस इंटरेस्ट में इन्वॉल्व मत करो, ये जैसे हमको लगेगा ना, जैसे टैक्स ITR के रूल्स है जो हमारे इनकम टैक्स के या आपके अब्रॉड में हम वो चीज उस हिसाब से पे करेंगे, वो आप इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो हम क्या बोल रहे हैं ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फी, ईसीए चार्ज, वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी, इतना सबको समझ आ गया। इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, विथहोल्ड टैक्स और कमिटमेंट फी, ये दो अलग फी हम आपसे अलग से चार्ज करेंगे, कमिटमेंट फी आप हमको रीपे करोगे, इसकी फीस हम अलग चार्ज करेंगे, हम इसमें नहीं इन्वॉल्व कर रहे उसको, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट लोन्स एंड स्वैप कॉस्ट प्लस शैल नॉट बी मोर देन फ्लोटिंग, ये है ना, अभी तुम छोड़ दो एडिशनली वाला, ठीक है, मैं तुमको इसको पॉइंट्स बना के दे दूंगी, ये दो चीजें छोड़ दो क्योंकि इसमें मैं तुम्हें पॉइंट दे दूंगी, ठीक है, ये तुम पढ़ने भी जाओगे ना तो इसमें है कि 2% ऑफ द इशू डाल सकते हैं फिर नहीं डाल सकते, तुम इतना एडिशनली छोड़ दो, तुम्हें बस पता होना चाहिए ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम क्या होता है, भाई जी जो हम साल साल भर का आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं ना उसमें आप ये वाले चार्जेस इन्वॉल्व कर दो और ये दो चार्जेस इन्वॉल्व मत करो। चलो अब आ जाओ अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट यानी प्री पेमेंट चार्ज या पीनल इंटरेस्ट इफ एनी फॉर डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ कवेनेंट्स, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने ब्रीच किए उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा या फिर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शुड नॉट बी मोर देन 2% ऑफ ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट एंड विल बी आउटसाइड इन ऑल, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होता अगर आपने पेमेंट नहीं की तो हम 2% से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ चार्ज नहीं करते। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ है, आपको इंटरेस्ट 12% लग रहा है जिसमें आपकी ऑल इन कॉस्ट इन्वॉल्व है, अब आपने ये रीपे
नहीं किया तो आपको और पीनाल्टी इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए पीनल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, पेनाल्टी इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है वो 2% से ज्यादा नहीं करना। तो जो हमारा 1 करोड़ है इसमें 2% आपको और पे करना, मतलब आप 12 तो कर ही रहे हो प्लस 2% जो इतना टाइम के लिए आपने रीपे नहीं किया, ये अदर कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब एंड यूज नेगेटिव लिस्ट, यानी कि किसमें आप ईसीबीज यूज नहीं कर सकते। नेगेटिव लिस्ट फॉर विच ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। आपने लोन तो ले लिया, अब आपको उससे जो प्रोसीड्स हो रही है, आपको पैसे ऑब्वियसली जो पैसे मिल रहे हैं आप अपने बिजनेस में लगाया उसके बाद अपने आप कहां यूज नहीं कर सकते ईसीबीज को, रियल एस्टेट एक्टिविटीज में, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मतलब लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि कहां पे वो अलाउ करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस फॉर्म में कर सकते हो वो आगे हमें बताएंगे, उसको हम बोलते हैं पार्किंग। ठीक है, चलो, वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, उधर बोल्ड पे लिखा है ईसीबीज रेस्ड फ्रॉम फॉरेन इक्विटी तब कर सकते हो, है ना, जनरल कॉर्पोरेट और रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सेप्ट ईसीबी रेस फॉर वर्किंग कैपिटल जो ऊपर आपने पढ़ा, उसके अलावा आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहां पे ऐसा बताया है कि आप वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए ईसीबी नहीं ले सकते एक्सेप्ट जो आपको फॉरेन इक्विटी होल्डर्स ने दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आपने लिया, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो जितने पॉइंट ऊपर हमने पढ़े कि आपने ईसीबी इस पर्पज के लिए रेस किया तो वो हम आपको अलाउ करते, उसके अलावा हम आपको अलाउ नहीं करते। तो रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल पर्पस। अब देखो वो पूरे पूरे पॉइंट्स वही वही वापस दोबारा लिख के दें कि जो आपको एनबीएफसी देगा वो सब सेम चीज, मतलब देखो रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इक्विटी, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑन लेंडिंग एंटिटीज ऑफ द अबव एंटिटी, ये सारे में आप ईसीबी यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो हमने ऊपर पढ़े। ठीक है, फिर इनमें 3 पॉइंट्स ये और एड हो गए। ठीक है, लिखा वही है अगर पढ़ने जाओ तो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ईसीबी और फॉरेन इक्विटी होल्डर्स फॉर वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो वो जो आपको फॉरेन इक्विटी होल्डर दे रहा है मतलब उसमें आपकी क्या है ना टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है आप किस पर्पस के लिए यूज करो। वर्किंग कैपिटल एग्जैक्टली कहां लगाओ, मशीन लेने में लगाओगे, ठीक है, और कोई चीजों के लिए ईसीबी ले रहे हो तो हम नहीं देंगे। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट समझते हो, फॉरेन का इंडियन रुपी करना। ठीक है, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ईसीबी इनटू इंडियन रुपी ईसीबी कैन बी एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होगा, हमने बोला था कि आज आप 5 साल के लिए ले रहे हो तो आज आपने अग्रीमेंट किया तो भाई हर साल तुम्हारी तो ये बढ़ती जाएगी तो हम क्या हर साल रुपी अलग अलग फॉर्म में लेंगे कि हम तुम्हें अलग अलग फॉर्म में इंटरेस्ट देंगे। तो पहला पॉइंट कि आपने जो अग्रीमेंट किया है उस डेट का ले लो। ठीक है, मतलब एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉर सच चेंज बिटवीन द पार्टीज कंसर्न, मतलब कि जिस दिन अग्रीमेंट किया है उस दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा है मतलब डॉलर 70 का है उस दिन 90 का है तो हम यही नंबर फॉलो करेंगे, और एट द एक्सचेंज रेट विच इज लेस देन द प्रिवेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट इफ कंसेंटेड टू बाय द ईसीबी लेंडर। ठीक है, देखो जब आप लोन ले रहे हो आपको मिल तो बढ़िया रहा है 20 करोड़ का 25 करोड़ क्योंकि उनकी एक्सचेंज रेट अच्छा है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो हम इंडियंस के लिए बोलते हैं कि भैया आप 2 तरीके से एक्सचेंज रेट यूज कर लो, अग्रीमेंट वाला डेट या उससे कोई भी कम। ठीक है, तो हम इतनी तो तभी तो आप ईसीबी में डालोगे ना, उससे ज्यादा होगा तो आप क्यों ही डालोगे क्योंकि तुम्हारे तो आज दिन तक बढ़ते जा रहे हैं, लोन तो हमें आज मिल जाएगा सारा का सारा, इंटरेस्ट हमें दूसरे दूसरे रेट पे देना पड़ेगा एक्सचेंज रेट पे। तो जिस दिन अग्रीमेंट हुआ है आज डॉलर का रेट 90 है तो 90 पे ही मैं तुम्हें हमेशा इंटरेस्ट दूंगा नो मैटर तुम्हारा डॉलर कितने भी आगे या कम का हो जाए। दूसरा, या तो तुम मान जाओ यार, एक काम करो हमेशा के लिए 70 कर दो, अगर तुम्हारा लेंडर मान जाता है, लेंडर कौन कौन, हाँ और लेंडर कौन, हाँ इंडियन बैंक की बाहर ब्रांच है, एफसीसी फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं अगर आपके तो वो। ठीक है, तो इन लोगों से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें एक्सचेंज रेट कम पे दो। अब हेजिंग, हेजिंग समझते हो, वेल डन, हेजिंग मतलब रिस्क को कवर करना। भैया जो आपसे लोन ले रहा है उसके, लोन दे रहा है उसके लिए रिस्क है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यार अगर आप
ये जो ईसीबीज रेज करते हो, तो आप अपने रिस्क को कवर करो, आप अपने अपने ही ईसीबीज का ना दूसरे वाले को बोलो इंश्योरेंस कराए, कि आप नहीं पे करोगे ना, सोचो होता है ईसीबीज में, ठीक है, आप नहीं पे करोगे ना, आपकी इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करके दे, ठीक है। तो हम बोलते हैं द एंटिटीज रेसिंग ईसीबीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस फॉर हेजिंग इश्यूड। तो जो हमने रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं, वो आपको फॉलो करनी है। रिस्क को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आपने अगर लोन नहीं दिया तो कोई अदर पर्सन होना चाहिए जो आपका ईसीबीज हमें लौटाएगा। तो हमारे पास ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज की डील होनी चाहिए जो आपका पैसा हमें लौटा देंगे अगर आप फेल या ब्रीच करते हो तो। इफ एनी बाय द कंसर्न सेक्रेटरियल और प्रूडेंशियल रेगुलेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। फॉरेन करेंसी के लिए जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने जो हेजिंग के लिए आपको प्रोविजंस और गाइडलाइंस दी हैं, आपको वो फॉलो करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी शैल हैव अ बोर्ड। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अंडरलाइन बॉक्स बनाओ भाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके पास तो प्रॉपर अप्रूव्ड बोर्ड होना चाहिए जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को अप्रूव करें। मतलब आपके लिए अगर आप ईसीबीज रेस कर रहे हो तो आपके पास एक बोर्ड मेंबर होने चाहिए जो आपके रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को भी अप्रूव करें कि हाँ यार अगर ईसीबी नहीं दिया तो कैसे पे होगा। तो इसकी आपने एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी में कुछ नहीं होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, कभी समझा? पॉलिसीज में कुछ नहीं, जैसे लिखा होता है कि यार अगर ये पैसा नहीं गया, इस वाली करेंसी का नहीं हुआ तो ऐसे देंगे, हम क्या करेंगे सैलरीज कम कर देंगे, ये एक पॉलिसी है। तो हम अपने स्टाफ को बोलेंगे भाई तुम इतना काम करो, अगर लोन पे नहीं हुआ तो हम तुम्हारी सैलरी काट देंगे, ठीक है। या फिर हमने अपने जो बिजनेस डीलर्स है उनको बोलते हमें राइट पे पेमेंट नहीं करोगे तो हम तुम्हें स्टॉक नहीं देंगे। ऐसे आपने कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनाई हुई है कि कैसे हमें पेमेंट प्रॉपरली करनी है। Further, such companies are required to mandatorily hedge 70% of their ECB's exposure in case of average maturity of ECB's is less than 5 years. मतलब specially जो 1 year, 3 year और 5 year वाले, उनको तो अलग से 70% amount का hedge करना पड़ेगा, ठीक है। The designated AD category bank shall verify 70% hedging requirement is complied with during the currency of ECBs and report the position to RBI through form ECB 2. जब आप ECB raise करते हो तो आप application देते हो, आप application किसको देते हो? Authorized dealer को। Authorized dealer RBI के पास जाता है कि इस person ने, इस company ने बोला है कि इसको ECB borrow करना है, इसने इतना इतना पैसा लेना है, ठीक है, और ये वाली company से वो लेगा, ठीक है। तो बोरोअर लेंडर सारी चीजें आपकी कहां चली गई? आरबीआई के पास। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, आप क्या कर रहे हो? 70% ऑफ द हेज के लिए पूरा मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, हेज कर रहे हो अपने रिस्क को कवर करने के। आपने उसके लिए एक बोर्ड भी बना रखा है जो आपके रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को अप्रूव करेगा। प्लस आपके, अगर आपके लिए, आप नहीं हो, ठीक है, आपके लिए इंफॉर्मेशन आपने एडी को दी हुई कि हमने ये सब फॉर्म किया हुआ है, आप, हमने ये वाली गाइडलाइंस फॉलो की, आप ना आरबीआई को इन्फॉर्म कर दो कि हम ये वाली कंपनीज है, हमें 70% का अपने रिस्क का मैनेजमेंट करना है। तो इनको क्या रिक्वायरमेंट है? इनको अपने जो 70% का हेज रिक्वायरमेंट वेरीफाई कराना है किससे? एडी से। एडी किससे वेरीफाई करा के देगा? आरबीआई से, कि आपने ऐसे कंट्रोल करना है अपना ईसीबी को का रिस्क, ठीक है। फॉलोइंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू हेज शुड बी इंश्योर्ड। अगर तुमको ये समझ आ गया, ये समझ आ गया कि आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, आरबीआई को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, आपने अब तीन एस्पेक्ट्स बताए हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक जगह लिख लेना। देखो तीन है, पहले बता रही हूं, कवरेज, टेन्योर एंड रोल ओवर और नेचुरल हेज। कर क्या रहे हो आप? प्रिंसिपल अमाउंट को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। ये लिखो सब पहले। कवरेज में कवर होता है प्रिंसिपल प्लस कूपन अमाउंट, मतलब जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है आप पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हो कि यार हमारे को ना आपकी इंश्योरेंस कंपनी से हमारा इंटरेस्ट भी चाहिए और प्रिंसिपल अमाउंट भी चाहिए। तो आप कवरेज में क्या करो? कवर प्रिंसिपल प्लस कूपन अमाउंट, फिर टेन्योर एंड रोल ओवर, मिनिमम टेन्योर 1 ओवर और फिर रोल ओवर करना है। मतलब कि आपने क्या दिया? हाँ, जैसे 1 साल होगा तो आपने फिर से रोल ओवर करना है कि हमें पैसा रिटर्न करो, ठीक है। ये एक आपने एस्पेक्ट बनाया है अपने रिस्क को कवर करने के लिए। तीसरा है नेचुरल हेज, ओनली टू एक्सटेंट ऑफ ऑफसेटिंग प्रोजेक्टेड और कैश फ्लोज, और मतलब हमारा पैसा हमें दे दो, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं, अगर इसको ऐसे फॉर्म में समझ गए तो अच्छी बात है। तो पहला क्या है? कवरेज, टेन्योर एंड रोल ओवर, और तीसरा नेचुरल हेज।
अभी रीड करेंगे ना। ओनली टू एक्सटेंट ऑफ ऑफ सेटिंग प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज और रेवेन्यूज। जल्दी लिखो। ऑफसेटिंग प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। प्रोजेक्टेड यानी जो आपने सोचा होगा कि यार इतना कैश फ्लो तो हमारे पास रहना ही चाहिए, जो आपने 3 साल 5 साल के लिए लोन दिया हुआ है ना, उसके लिए आपने सोचा होगा इतना तो हमें वापस मिल ही जाना चाहिए था, या हमने पे कर ही देना चाहिए था, तो वो आपने क्रिएट कर रखा है। प्रोजेक्टेड यानी सोचा हुआ फ्यूचर का रेवेन्यू और कैश फ्लो, तो सिर्फ उतना आप सेट कर पाए हो गया। चले कवरेज में लिखा है ईसीबी बोरोअर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर प्रिंसिपल एज वेल एज कूपन थ्रू फाइनेंशियल हेज। द फाइनेंशियल हेज फॉर ऑल द एक्सपोजर ऑन अकाउंट ऑफ ईसीबी शुड स्टार्ट फ्रॉम टाइम ऑफ ईच ऑफ सच एक्सपोजर द डे। ये छोड़ देना, ठीक है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आप क्या कर रहे हो कवरेज में, अपना कूपन अमाउंट और कवरेज शुरू की डेट से अभी तक का कवर करने की कोशिश कर, तो पूरा फाइनेंशियल एक्सपोजर आप इसमें कवर कर रहे हो, तो इसलिए वो पहले में दिया क्योंकि आप उसमें सब कवर कर रहे हो। फिर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर फॉर द फाइनेंशियल हेज वुड बी रिक्वायर्ड विद पीरियोडिक रोल ओवर ड्यूली इंश्योरिंग दैट द एक्सपोजर ऑन द अकाउंट ऑफ ईसीबीज इज नॉट अनहेज्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईसीबीज। इसमें हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने ईसीबी इशू किया तो आप रोल ओवर करा रहे हो, रोल ओवर यानी हर साल आप मिनिमम टाइम रख रहे हो 1 साल का, 1 साल में जैसे हमने 1 करोड़ का लोन दिया, हर साल ना आप ईसीबीज दोबारा रेज करने की बात कर रहे हो कि क्या कर रहे हो आप कि आपने एक बार लोन दिया है, ठीक है, हम एक और बार लोन लेना चाह रहे हैं, हम अपने रिस्क को कवर करने की कोशिश, तो हम हर साल आपसे बात करेंगे कि यार या तो आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो या तो हमें रीपे करवाने दे दो, ठीक है। तो हम एवरी ईयर अपनी परफॉर्मेंस का रोल ओवर करेंगे कि हम केपेबल हैं इसको पे करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो कुछ कुछ अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पे करते जा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है आपका रिस्क आगे के लिए कवर अप होता जा रहा है। लेकिन इसमें टेन्योर है, इसमें सिर्फ लिखा है वर्ड का नाम टेन्योर एंड रोल ओवर, इसमें है कि बस आप हर साल अपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो, बस इतना समझो कि टेन्योर आपका 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, तो हर 1 साल में अगर आप ये वाला एस्पेक्ट फॉलो करते हो हेजिंग में, तो हर 1 साल में आप रोल ओवर की बात कर रहे हो, मतलब हर 1 साल में आप पेमेंट करने की बात कर रहे हो, ठीक है, और पेमेंट से या तो ज्यादा देने की बात करो कि हमें रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो हम ये वाला एस्पेक्ट ढूंढते हैं टेन्योर ऑन रोल। हर साल हम आपसे मिलेंगे, आपको इतना पैसा देंगे और बात खत्म करेंगे, ये हमारा एक तरीका है अपने रिस्क को ऑपरेट करने का। लास्ट है नेचुरल हेज। नेचुरल हेज में लिखा है इन लियू ऑफ फाइनेंशियल हेज विल बी कंसिडर्ड ओनली टू एक्सटेंट ऑफ ऑफसेटिंग प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज रेवेन्यू इन मैचिंग करेंसी। मतलब कि जिस फॉर्म में आपने लोन लिया है, आप क्या कर रहे हो कि यार हमने जितना प्रोजेक्टेड कैश फ्लो रखा था, आप जब लोन लेते हो ना तो सामने वाले को आप बोलते हो कि यार हम ना 3 साल में इतना कमा लेंगे तो हम आपको पे कर देंगे, तो आप टेंशन मत लो, आप हमें लोन दो। तो आप क्या कर रहे हो, आपने जितना लिया है तो आप सिर्फ बोल रहे हो जितना हमने इनको प्रोजेक्टेड दिया था ना हम उतना पे कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कई बार आपका इंटरेस्ट, जैसे 20 करोड़ का लोन है, आपका इंटरेस्ट जो 12% है, ठीक है, वो आप कवर करने जाओ, 20 करोड़ का 12% कवर करने जाओगे तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जाएगा। हो सकता है कि आपकी कैश फ्लो और प्रोजेक्टर सेल्स इतनी नहीं है, या हो सकता है उससे ज्यादा हो। नेचुरल हेज में आप कवर कर रहे हो बस इतना कि यार हमारे हमने 20 करोड़ बोला था आपको, हमें आपको समझो 30 करोड़ पे करना था, अगर 12% इंटरेस्ट लगाऊं तो चलो 25 करोड़, 22 करोड़ पे करना था, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मैंने तो कमा लिया है 40 करोड़, तो मैं नेचुरल हेज में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मेरे इतने प्रोजेक्टेड सेल्स होंगे, इतने कैश फ्लोज होंगे, मैं उतना सेट कर दे रहा हूं, उससे आगे मैं आपको और कुछ नहीं रेस करना चाहता हूं। ये नेचुरल हेज कि जितना आपने बोला था उतना आपने रीपे करने का प्रॉमिस किया, और इस एस्पेक्ट में आप अपने आप को कवर करते हो।
For this purpose, ECBs can be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity cash flow within the same accounting year. जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी आ रही है आपके अकाउंटिंग ईयर में सेम प्रोजेक्टेड सेल्स भी आ रही है. आपने 3 साल के प्रोजेक्टेड दिए, 3 साल के लिए आपने लोन लिया, हर साल का आपने बोला था कि यार हम इतनी सेल करेंगे इतनी सेल करेंगे, जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर इतनी सेल हो गई लोन ले लो, ठीक है इतनी सेल हो गई लोन ले लो. ऐसे प्रोजेक्टेड के बेस पे आपने बोला था कि इतना टर्नओवर होगा, ठीक है प्रोजेक्टेड के बेस पे आपने कवर करने की, आपको 3 साल में बोला था कि इतना इतना रीपे करना, 20 करोड़ 3 साल में ले लो, हर साल 12-12% देना. आपकी प्रोजेक्टेड सेल अच्छी खासी हो रही है, आपने ऑफसेट कर दिया लो ले लो, ठीक है हर साल करके ऐसे आपने पे कर दिया, आपने जो उनको बोला था ना वो चीज कवर हो रही है और आपने लोन दे दिया. ठीक है तो 3 एस्पेक्ट है, कवरेज, टेन्योर एंड रोल ओवर और नेचुरल हेज. ठीक है तीनों को अगर पढ़ने में कभी भी कंफ्यूजन हो तो वो पॉइंट पढ़ना. कवरेज में सिंपल, इसको तुम भले अपने मन से लिख के आना पर 2 टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखा दी सिंपल कि आप क्या करो, प्रिंसिपल अमाउंट एंड कूपन अमाउंट. तो तुम्हें ये 2 वर्ड्स याद हो गए, इसके बाद तुम बोल देना कि इसमें वो ये वाले एस्पेक्ट में वो पूरा कवर करने की कोशिश कर. सेकंड में बात करें टेन्योर और रोल, उसमें लिखा है 1 ईयर की बात, भाई हर ईयर में आप रोल ओवर और टेन्योर की बात कर रहे हो, बस इतना भी लिखा तो चलेगा. फिर नेचुरल हेज, नेचुरल हेज में मैंने लिखवा दिया ऑफसेटिंग ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज एंड रेवेन्यू. तो अगर आपके हर अकाउंटिंग ईयर में ऑफसेट हो रहा है आपका कैश फ्लो और रेवेन्यू, तो आप उस एस्पेक्ट को हेज के फॉर्म में कवर करने के लिए रिस्क अपना रिड्यूस कर रहे हो. ठीक है चलो, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग्स, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ ईसीबी फ्रॉम 1 freely convertible. अच्छा बहुत सिंपल चीज, डॉलर चाहिए तुमको येन में, तुम अपने आरबीआई को बोल रहे हो कि सर मेरे पास ना ईसीबी डॉलर में आ गए हैं, क्या इसको येन में मिलेगा? हाँ मिल जाएगा. क्या इसका कोई और आपको चाहिए, यूरो चाहिए, मिलेगा? हाँ मिल जाएगा. ठीक है अब आप बोल रहे हो कि यार इसका हमें रुपी रुपी हमारे पास आया ईसीबी, इसका डॉलर में चलेगा? तो वो बोलेगा नहीं. देखो चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम 1 freely convertible फॉरेन करेंसी टू एनी फ्रीली फॉरेन करेंसी एज वेल एज टू इंडियन इज फ्रीली परमिटेड. अब चेंज ऑफ करेंसी ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है आपने फॉरेन में लिया आप बोलो इंडियन रुपी दे दो, दे देंगे. ठीक है आप बोल रहे हो चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम इंडियन रुपी टू एनी फ्रीली फॉरेन करेंसी इज नॉट परमिटेड. इसलिए मैंने बोला जब इंडिया को बोल रहे हैं कि वो डॉलर में दो तो हम नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि देखो आप बुला रहे हो ईसीबीज, फॉरेन का बुला रहे हो, ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर बुलाओ, ठीक है येन बुलाओ, यूरो बुलाओ, इंडियन बुलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है यहाँ यहाँ आके हमसे यहाँ आके इंडियन रुपी को मत बोलो कि डॉलर में दे दो. ठीक है हम आपको अपनी रिजर्व्ड फॉरेन सिक्योरिटी क्यों दें? आपने इंडिया में बुलाया इंडियन रुपी यूज करो, हमसे फॉरेन करेंसी इसके एक्सचेंज में मत मांगो, किसी और फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी मांगोगे तो हम दे देंगे. मतलब कि डॉलर के अगेंस्ट कोई और फॉरेन करेंसी मांगोगे तो हम देंगे, रुपी के अगेंस्ट डॉलर मांगोगे तो नहीं देंगे. हमारे पास भी लिमिटेड रिजर्व है. आप 20-20 करोड़ का ईसीबी रेज करो और हमको बोलो अब हमको डॉलर दो, हम क्यों दें? वहीं से मंगा लो. ठीक है बस तो नहीं, लिमिट एंड लेवरेज. ठीक है लिमिट एंड एवरेज, देखो ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज, कितनी लिमिट है? अब सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने देखो कितने छोटे पैराग्राफ्स हैं. कितनी लिमिट है? $750 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट. दो रूट होते हैं, अप्रूवल और ऑटोमेटिक. तो भाई ऑटोमेटिक रूट में आप कितने मंगा सकते हो? $750 million. वहां लिखा है मैंने फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कितना पैसा मंगा सकते हैं हम, कितने पैसे के लिए असिस्टेंस ले सकते हैं. तो $750 million का आप ले सकते हो अंडर ऑटोमेटिक रूट. फर्दर इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, मतलब अपने क्लोज वन से आप ले रहे हो, तो इक्विटी लाइबिलिटी रेशियो, इक्विटी रेशियो फॉर ईसीबी रेज अंडर ऑटोमेटिक कैन नॉट बी एक्सीड, मतलब इक्विटी और लाइबिलिटी का रेशियो कितना होना चाहिए? 7:1. हमारे यहाँ 2:1 देखते हैं हम. ठीक है इंडियन कंपनीज 2:1 देखती है. अगर आप ईसीबी रेज करो किससे? अपने ही क्लोज, अपने ही फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तो कितना ले कर सकते हो? 7:1. मैक्सिमम ऑटोमेटिक रूट में कितना अमाउंट मंगा सकते हो? $750 million. हो गया ये टॉपिक. हाउएवर द रेशियो विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ईसीबी इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड वन इज अप टू $5 million और इट्स
इक्विवेलेंट, तो 5 मिलियन तक है तो आप 7:1 भी नहीं फॉलो किया तो हमको चलेगा। फर्दर द बोरोइंग एंटिटीज विल ऑल्सो बी गवर्न बाय गाइडलाइंस ऑन द डेट इक्विटी रेशियो इशूड इफ एनी बाय सेक्रेटरियल या प्रूडेंशियल रेगुलेटर कंसर्न, मतलब जो आरबीआई बोलेगी वैसे गाइडलाइंस फॉलो आपको करनी है। ठीक है, ये हो गया लिमिट एंड लेवरेज। इश्यूएंस ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट परमिटेड, यहाँ के इंडियन बैंक्स आपकी गारंटी नहीं लेंगे। ठीक है, ये लिख दिया है बस, नॉट परमिटेड। पार्किंग ऑफ ईसीबीज प्रोसीड्स, पार्किंग समझते हो, गाड़ी की पार्किंग होती है, क्या करते हो, गाड़ी नहीं चलानी तो क्या करते हो, पार्क कर देते हो, ईसीबी नहीं यूज करने तो पार्क कर दो। आप 20 करोड़ एक बार में यूज करोगे क्या, 25 करोड़, 750 मिलियन, एक बिलियन है, मिलियन मिलियन एक बार में यूज करोगे क्या, तो वो बोलते हैं पार्क कर सकते हो, इसलिए उन्होंने सुंदर सा वर्ड डाल दिया पार्क, जो पार्क का एक्चुअल मीनिंग है पार्किंग, कि आपने कोई जगह कोई चीज थोड़ी देर के लिए कहीं पे छोड़ दी है। तो आप ईसीबी के जो प्रोसीड्स हैं, जो आपको पैसा आ रहा है, वो इकट्ठा तो आप यूज नहीं करोगे, तो हम आपको अलाउ करते कि आप इसे पार्क करके रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो, पहला है ईसीबी प्रोसीड्स अब्रॉड में रख सकते हो, ईसीबी प्रोसीड्स इंडिया में रख सकते हो। ठीक है, कई बार हम बोल सकते हैं कि यार वहीं वहीं के कुछ खर्चे पे ऑफ करवाना है, तो वो वहीं वहीं पे भी करवा सकते हो। कैसे, ईसीबी प्रोसीड्स मींस फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड अब्रॉड पेंडिंग यूटिलाइजेशन, आपका कहीं पे पेंडिंग पेमेंट था तो आपने क्या बोला, वहीं पार्क कर दो, वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपने वो कट कर दिया। फिर टिल यूटिलाइजेशन दीज फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग, टिल यूटिलाइजेशन दीज फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आप क्या कर दो, ए बी और सी इधर पे जाके पार्क कर सकते हो, मतलब तीन एरियाज बताएं जहां जहां आप पार्क कर सकते हो, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो लिक्विड एसेट में। ठीक है, हमने कुछ टाइम के लिए पार्क करने आपको अलाउ किया, ऊपर मैंने बोला था नीचे कहीं कहीं वो अलाउ करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, वैसे वो आपको बोल रहे हैं कि आप ईसीबीज इस पर्पस के लिए मत यूज करो, मतलब आप बोल रहे हो कि कैपिटल मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है। तो मत करो, 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं ईसीबी प्रोसीड्स को पार्क करने की, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा लोन आ गया है तो उसको आपको फॉर टाइम बीइंग कहीं पे रखवाना है तो आप रखवा सकते हो, तो आप अब्रॉड में भी रख सकते हो, आप इंडिया में भी रखवा सकते हो। अब्रॉड में आप पहली चीज तो पेंडिंग यूटिलाइजेशन कवर अप करवा सकते हो, दूसरी चीज हम तीन ऐसे एरियाज बता रहे हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बता रही थी कि ईसीबीज में क्लियरली बोला गया कैपिटल मार्केट या इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते, मतलब आपका कोर पर्पस ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको कुछ अमाउंट कहीं पार्क करना है तो आप इसको इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हो। कौन से इन्वेस्टमेंट्स, पहला डिपॉजिट करवा सकते हो और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स रेटेड नॉट लेस देन एए माइनस बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर, पढ़ा है क्रेडिट रेटिंग, पर इसमें एए ब्रैकेट में माइनस है, ऐसे वाले बैंक्स के पास आप जा सकते हो बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच यानी क्रेडिट रेटिंग आईबीसीए और AA3 बाय मूडीज, ये दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताए उन्होंने, आईबीसीए और एक मूडीज। ठीक है, दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, अगर आपके पास क्रेडिट रेटिंग है AA3 या AA-, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर में कवर हो जाती है AA-, तो इन बैंक्स के साथ, हम आपको छोटे मोटे बैंक्स के साथ डिपॉजिट करना अलाउ कर रहे हैं। तो आपने पार्क कहाँ किया, पहला एरिया डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई बैंक्स के पास। अब दूसरा है ट्रेजरी बिल्स और अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 1 ईयर मेच्योरिटी हैविंग मिनिमम रेटिंग एज इंडिकेटेड अबव, ऊपर जो हमने रेटिंग्स बताई, तो आप ट्रेजरी बिल्स में डाल दो 1 साल के लिए मिनिमम, नहीं ऑफ मेच्योरिटी हैविंग मिनिमम रेटिंग, मतलब आप 1 साल के लिए ट्रेजरी बिल्स ले सकते हो, मतलब ट्रेजरी बिल्स में पार्क कर दो इन्वेस्ट करके। थर्ड डिपॉजिट्स विद फॉरेन ब्रांच सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड, ये समझ आया, तीन कौन से एरिया में हम पार्क कर सकते हैं, पहला डिपॉजिट्स ले सकते हैं बैंक से, दूसरा ट्रेजरी बिल्स ले सकते हैं, तीसरा फॉरेन ब्रांचेस जो इंडियन बैंक्स की हैं उधर पे आप बोल दो कि हमारे ईसीबीज आप ही रख लो। अब अभी देखो इन्वेस्टमेंट नहीं था, हर जगह डिपॉजिट था, ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट इश्यू करती है तो बोल दिया वहां पे 1 साल के लिए आप कर लो, अब इंडिया में आपको प्रोसीड को रखना है, तो ईसीबी प्रोसीड्स मींस रुपी एक्सपेंडिचर शुड बी रिपैट्रिएटेड इमीडिएटली फॉर क्रेडिट टू देयर रुपी अकाउंट विद एडी कैटेगरी 1 इन
इंडिया। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे अपने ऑथराइज डीलर को बोलो कि हमारे ECBs आप पार्क कर लो। ईसीबी बोरोवर्स आर ऑल्सो अलाउड टू पार्क ईसीबी प्रोसीज इन टर्म डिपॉजिट विथ एडी कैटेगरी। पहले तो आपने रिपैट्रिएट कर लो इमीडिएटली और ईसीबी के पास रखवा लो, या फिर उसके पास टर्म डिपॉजिट करवा सकते हो फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स क्यूमुलेटली। दीज टर्म डिपॉजिट शुड बी केप्ट इन अनएनकंबर्ड पोजिशन। मतलब इसमें वो लोग बैंक इसमें खेल नहीं सकता, ये आपके ईसीबी है, आपके लिए रखे रहेंगे। तो दो जगह आप पार्क कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आया पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, तो समझ जाना लिखना क्या है कि भाई ईसीबी प्रोसीड्स के लिए परमिशन है कि आप अब्रॉड में भी रख सकते हो और इंडिया में भी। तो पहले वर्ड परमिशन। तो जब आप अब्रॉड का बता रहे हो तो हमें बोलना है कि भाई ईसीबी प्रोसीड्स का मतलब क्या है, जो आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है, ठीक है, उसको आप पार्क कर लो कहां पे, पेंडिंग यूटिलाइजेशन। दूसरा कि ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है इसको कैसे आप तीन फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स में डाल सकते हो। तो वर्ड क्या हो गया, लिक्विड एसेट्स। पहला है डिपॉजिट्स करवा लो बाय बैंक्स, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स जो कि किसने इशू किए, मैच्योरिटी जिसकी है 1 ईयर, और फिर फॉरेन और सब्सिडीज ऑफ फॉरेन बैंक्स और सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स। अब आपको अगर डोमेस्टिकली रखवाना है तो हमारे पास तो एक ही पर्पस है, ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी 1 में आता है तो उसके पास आप रखवा लो, या फिर उसको बोल सकते हो इसे टर्म डिपॉजिट में रखा लो और ये अनएनकंबर्ड पोजीशन में रहेंगे। और ये टर्म डिपॉजिट है, इसका पीरियड होगा 12 महीने, ठीक है, इससे ज्यादा हम आपको रखने के लिए नहीं दे रहे। अब आ जाता है प्रोसीजर ऑफ रेजिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कन्वर्जन हम कल देखेंगे। ये जो है ना प्रोसीजर कैसे इश्यू होता है ये तुम एक बार रीड करके आना। रिपोर्टिंग में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, चेंज कर सकते हो टर्म। ये जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इसका मतलब है आपने अगर कोई स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए तो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है हर चीज। तो आरबीआई को रिपोर्ट करने के लिए आपके पास कौन सा साधन है, ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर के थ्रू आप हर चीज रिपोर्ट कराते हो, तो आपको एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। फिर आपको अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कराना है तो आरबीआई को बोल, ऑथराइज डीलर को बोल के आरबीआई तक वो करवा लो। फिर मंथली रिपोर्टिंग देनी पड़ती है एक्चुअल ट्रांजेक्शन, ये हमको बच्चे सिर्फ रीड करना है, ये करके आना रीड। प्रोसीजर छोटे से पैराग्राफ में बताया कैसे इशू होता है, और ये तो मैं सिर्फ पॉइंटर्स रीड करके हिंदी में बता दे रही हूं। पहले आप अगर आप ईसीबी उठाते हो तो आपको एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, फिर आपको अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कराना है तो ऑथराइज डीलर को बोल के आरबीआई तक इन्फॉर्म करो कि हमें ये चेंज करनी है, क्योंकि हर चीज का आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर आपको मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शंस भी मंथली देनी पड़ती है कि आप ईसीबी आया तो क्या किया, कहां यूज किया वो। फिर लेट सबमिशन फी, अगर आप फी नहीं पे करते हो तो फिर क्या होता है। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज, अनट्रेसेबल एंटिटीज बता देती हूँ बच्चे, जैसे हमारे पास फीस नहीं आई या हमारे पास कोई मंथली रिपोर्टिंग नहीं आई तो हम लोगों को ईमेल कर रहे हैं, फॉलो अप्स ले रहे हैं, तो वो लोग ना रिवर्ट नहीं करते, तो उनको हम क्या बना देते हैं, अनट्रेसेबल, हमें पता ही नहीं चल रहा ये लोग कहाँ हैं। फिर ये एडी की जिम्मेदारी होती है कि इनको ढूंढे और इनके बारे में पता करे, और अगर ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो कहीं ना कहीं ऑथराइज डीलर से तो रजिस्टर होते हैं, तो हर इन्फॉर्मेशन कौन देता है, फिर एडी देता है। ये सबको समझ आया अनट्रेसेबल एंटिटीज, इधर पे वही दिया हुआ है, ठीक है। कन्वर्जन हम कल पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज फॉर ये मतलब चार्जेस, ये हमारे कल हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हमें सिर्फ रीड करना है, ठीक है, कल हम समझेंगे लेकिन इसको। इसके बाद है बस, तब तो ECBs फॉर ऑयल मार्केटिंग स्टार्टअप्स और खत्म।